हाँ, सभी ट्रेनर्स का एक बार अगेन मैं वेलकम करता हूँ। और आप में से दो या तीन लोगों को अभी किट नहीं पहुँचा है, लेकिन दीपक सर ने इस ट्रेनिंग सेशन का आपको लिंक भी दे दिया है, मार्केटिंग से रिलेटेड। तो मैं आज आपको मार्केटिंग नहीं, मैं अपना एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि मैंने इन लास्ट 10 ईयर में एक स्टूडेंट को सेंटर पे लाने के लिए कौन कौन सी एक्टिविटीज की है, उसके बारे में कंप्लीट मैं अपना एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूंगा। क्लियर? नितिन सर, यस सर हाँ, स्क्रीन रिकॉर्डिंग पर रखिएगा, जी सर हाँ, ताकि जो लोग ज्वाइन नहीं हो पाए उनको इस रिकॉर्डिंग प्रोवाइड कर सकें। राइट जी सर जी सर सर? यस सर और मेरा वीडियो फुल स्क्रीन पे आ रहा है क्या? नो सर ओके okay. यस सर अभी फुल स्क्रीन पर है सर ओके राइट सर। हाँ यस सर। तो मैं जैसे आप लोगों के साथ बोल रहा था कि ये सारी सारी मार्केटिंग की जो स्ट्रेटजीज हैं, ये सारी के सारा मेरा एक एक्सपीरियंस है जो लास्ट 10 ईयर में मैंने गलती कर करके सीखा। लेकिन जरूरी नहीं है कि सभी के सभी टेक्निक्स सभी सेंटर्स पर एक जैसा रिजल्ट दे, लेकिन हाँ, इसमें से अगर 10 में से कोई भी 4 या 5 टेक्निक्स भी अगर आप अच्छे से इम्प्लीमेंट करते हैं और रिजल्ट आता है, तो आपको गोल अचीव कराने के लिए बहुत है। राइट? क्योंकि हम लोग अक्सर मात यहाँ कहते हैं, प्रोडक्ट और सर्विस या ट्रेनिंग तो हम लोग ले लेते हैं, ऑनलाइन भी सीख लेते हैं। प्रॉब्लम आती है बिजनेस को स्टार्ट करने में, स्टूडेंट को लाने में, और बिजनेस की ऑपरेशंस को स्मूथली रन करने में। तो यही हम लोग आज डिस्कस करेंगे कि मैं अपने बिजनेस को कैसे मैनेज करता हूँ, या मैं कौन कौन सी टेक्निक्स है जहाँ पर हमारे सेंटर्स पे बच्चों को लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं, उसके बारे में हम लोग डिटेल में देखेंगे। राइट? और स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ों को समझेंगे, और उसके बाद जहां भी आपके कुछ क्वेश्चंस हो आप डेफिनेट मेरे से पूछ सकते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि मैं अपना टॉपिक कंप्लीट कर लूं, जो मैं आपको सिखाना चाहता हूं, जो अपना एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, पहले वो नॉलेज आपके पास पहुंचे, उसके बाद जो भी आपके क्वेश्चंस हैं, जो भी डाउट्स हैं, कुछ पूछना है, जानना है, जो इस टॉपिक में कवर नहीं हुआ है, वो हम लोग डिस्कस करेंगे लास्ट में। राइट? तो इस हम लोग स्क्रीन शेयर कर लेते हैं एक बार। तो ये हमारा एक फ्रेंचाइजी ट्रेनिंग है जो हम लोग प्रोवाइड कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात है कि हमको कुछ पॉइंट्स हैं जिनको हमको माइंड में रखना है, कि पहले तो हमारा ऑब्जेक्ट और मिशन क्या है इस ट्रेनिंग का, और हम लोग हमारे नेक्स्ट वर्किंग के प्रोसेस को कैसे सेट करेंगे, ट्रेनिंग का प्रोसेस कैसे रहेगा, आपकी प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व आउट होगा, और ऐड कैसे आप कर सकते हैं, काउंसलिंग कैसे होगा, बैच का आप कैसे मैनेज करेंगे, और स्टूडेंट के टेस्ट, बैच हैंडलिंग, ये सारी सारी वो कॉमन क्वेश्चंस होते हैं जो नॉर्मली एक टीचर, एक फ्रेंचाइजी हमसे पूछता है। तो कोशिश रहेगी हमारी कि वो सारे सारे टॉपिक को हम लोग कवर कर पाए। राइट? तो पहली बात तो मिशन हमारा, ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होना चाहिए। राइट? क्योंकि जब तक हमारा ऑब्जेक्ट और हमारा मिशन क्लियर नहीं होगा, तब तक हम हमारे गोल को अचीव नहीं कर सकते। याद रखना कि कोई भी लो पर्सन आपको पेमेंट जब देगा, जब वो अपनी बड़ी से बड़ी नीड को पूरा कर पाएगा। तो यहां पर हमारा ऑब्जेक्ट पैसा कमाना नहीं, हमारा जी ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट में बेस्ट रिजल्ट डेवलप करना। और ये अगर हम लोग कर पाते हैं, हमारे जो एंड यूजर है उसके गोल को अचीव कराने में हम उसकी हेल्प कर पाते हैं। अभी एक स्टूडेंट का गोल अचीव किया है कि वे विदाउट कैलकुलेटर और पेन के कैलकुलेशंस करने लग जाए, उसकी कैलकुलेशन की एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाए, ये उसका एंड गोल है, और इसीलिए पेरेंट्स ने बच्चों को आपके पास भेजा है।
तो हमारा पहला मोटो होना चाहिए, हमारा ऑब्जेक्ट होना चाहिए कि स्टूडेंट में बेस्ट रिजल्ट हम लोग डेवलप कर पाए। क्योंकि हम 6 मंथ 1 ईयर तो हम लोग हमारी कमिटमेंट पे बिजनेस को स्टैंड कर लेते हैं, लेकिन 1 ईयर के बाद आपका रिजल्ट ही आपको बुलंदियों तक पहुंचाएगा। इसलिए आपका गोल, आपका ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही मेरा गोल, मेरा ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होता है। मैं ये चाहता हूं जो मेरे से कनेक्ट हुआ है मैं उसको सारी नॉलेज दे दूं। और ये आपने देखा भी होगा मेरे LMS में कि केवल आपने परचेज तो अबेकस का कोर्स किया, किसी ने वैदिक मैथ का किया है, किसी ने दोनों किए हैं। परचेज आपने अबेकस किया, लेकिन आपने देखा कि अबेकस या वैदिक मैथ के साथ सपोर्टिंग में कितने सारे प्रोग्राम्स मैंने आपको दिए हैं। वो सारे प्रोग्राम्स नहीं है, वो मेरा एक्सपीरियंस है कि आपको ऑनलाइन ले अपने बिजनेस को लेके जाना है तो आप कैसे कर सकते हैं, कैसे कैसे एक एंटरप्रेन्योर का माइंडसेट रहता है, कहाँ उसके असफल होता है, कहाँ उसको प्रॉब्लम्स आती है, कैसे काम करना चाहिए, आप स्कूल प्रोजेक्ट्स कैसे हैं और इनकम कैसे कैसे जनरेट कर सकते हैं, ये सारा डिटेल जो मैं आपको सिखाने वाला था वो सभी के सभी को मैंने कोर्स में कन्वर्ट करके इंक्लूड करके आपको दे दिया। इसलिए मेरा एंड गोल ऑब्जेक्ट बहुत क्लियर होता है। मैं चाहता हूं कि जो भी टीचर फ्रेंचाइजी मेरे साथ कनेक्ट हुआ है मैं उसको बेस्ट से बेस्ट नॉलेज दूं, मैं अपना सारा एक्सपीरियंस उसे दे दूं ताकि आपका गोल अचीव करने में मेरी हेल्प आपके काम आए। बस अगर हम लोग इतना कर पाए, मैं टीचर्स की हेल्प कर पाए, आप स्टूडेंट की हेल्प कर पाए, तो इसका मीन्स है पैसा तो बाय डिफॉल्ट होता है, बाय प्रोडक्ट होता है। यानी इसका मीन्स है कि आपको बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट सर्विसेज बच्चों को देना है, मुझे आप लोगों को देना है, इनकम तो बाय प्रोडक्ट होती होती इनकम तो आनी ही आनी है। इसलिए हमारा मेन ऑब्जेक्ट क्लियर होना चाहिए कि बच्चों में बेस्ट एजुकेशन, बेस्ट रिजल्ट को डेवलप करना, राइट। और इसके लिए हमें बहुत कड़ी मेहनत भी करनी होगा, क्योंकि आप जितना अच्छी लर्निंग करेंगे, जितने आप अपने डाउट्स निकालेंगे, जितना आप अच्छे से समझेंगे, आप उतना ही अच्छे से बच्चों को टीच कर पाएंगे, उतने ही अच्छे से रिजल्ट डेवलप कर पाएंगे, राइट। तो आगे देखें, राइट। तो अभी हमारा पहला टॉपिक हुआ ऑब्जेक्ट एंड मिशन। अब नेक्स्ट है कि एक टीचर के अंदर बेस्ट क्वालिटीज क्या होनी चाहिए, राइट। क्योंकि अगर हम लोग परफेक्ट टीचर बनते हैं ना, तभी हम लोग एक परफेक्ट स्टूडेंट भी बना पाते हैं। इसलिए आपको भी एक परफेक्ट टीचर बनना है। वैसे तो जहां टीचर वर्ड आ गया वो अपने आप में ही बहुत परफेक्ट होता है, बहुत रेस्पेक्टिव वर्क है ये। क्योंकि हम किसी के जीवन में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, और वैल्यू ऐड करना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा पुण्य का काम होता है। फिर भी हम उसमें वैल्यूज को ज्यादा से अच्छे से ऐड कर पाए, उसके लिए हमें कुछ स्किल्स, हमें नॉलेज को इम्प्रूव करना चाहिए और टाइम टू टाइम इंक्रीज भी करना चाहिए, राइट। तो जैसे मैंने कुछ पॉइंट्स निकाले हैं जो मेरे पॉइंट या मेरी धारणा, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से होना चाहिए, वो मैंने सारे पॉइंट्स लिखे हैं और ये आप लोग जानते भी हैं, राइट। कि एक टीचर के पास टीचिंग की सारी सारी मेथोलॉजीज होनी चाहिए और कोर्स का कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। अधूरी नॉलेज के साथ हमें फील्ड में नहीं उतरना है, परफेक्ट नॉलेज चाहिए। और इसीलिए मैं बोलता हूं कि केवल आपको वीडियो वॉच नहीं करने हैं, बुक्स में प्रैक्टिस करनी है। और मैं काफी टीचरों को देखता हूँ कि उन्होंने Level 1 का बुक ओपन किया, स्मॉल प्रिंट देखे, उनको लगा कि हाँ बहुत ईजी है, 4 to 5 क्वेश्चन सॉल्व भी किए, फिर सारे के सारा पेजेस को बुक को ही उन्होंने फ्री छोड़ दिया, ब्लैंक छोड़ दिया, उनको बुक को फिल ही नहीं किया। उन्हें लगा कि हम तो सीख गए, क्या जरूरत है कि 45 क्वेश्चन किया जाए, 5 क्वेश्चन करके देख लो। नहीं, आपको आपकी बुक के एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना है और आपकी नोटबुक में आंसर लिखने हैं। ये नोटबुक आपके लिए एक आंसर की बन जाएगी। जब आप स्टूडेंट को नोटबुक को चेक करेंगे तो अपनी इसी नोटबुक से आप टैली करके आप चेक कर सकते हैं। और सेकंड कि जो क्वेश्चन बच्चों को आपके सामने आने वाला है ना, वो एक एक क्वेश्चन आपकी नजरों के सामने से निकल जाना चाहिए, आपकी प्रैक्टिस में निकल जाना चाहिए। इसलिए
आपको कोर्स का कंप्लीट ट्रेनिंग करना है, कंप्लीट प्रैक्टिस करना है, इसमें कंजूसाई मत कीजिएगा। भले ही आप सीख गए हैं, भले ही आपको आ गया हो, लेकिन अगेन पूरी बुक को फिल कीजिएगा। मैं बार बार ये कहता हूं, राइट, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि आपने अगर कोई क्वेश्चन छोड़ दिया और उस क्वेश्चन पे कोई स्टूडेंट अटक गया तो आपके लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो इसलिए टीचिंग की सारी सारी मेथोलॉजीज और कोर्स का ट्रेनिंग आपके पास होना चाहिए, राइट। सेकंड, आपको डिजिटली प्लेटफॉर्म और सोशल मीडिया का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। आप जानते हैं कि आप अपनी सिटी से बाहर के स्टूडेंट को अगर टारगेट करना चाहते हैं तो डिजिटली आपको सॉफ्टवेयर का नॉलेज होना चाहिए। मुझे भी नहीं था, मोस्ट ऑफ टीचरों को नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, काम ही काम को सिखाता है। जिस चीज की जरूरत होती है उसे हम लोग सीखने लगते हैं। एक बार गलती होगा, दो बार होगा, थर्ड टाइम में हम बहुत अच्छे से उसको सीख जाएंगे। इसलिए आपको जूम, गूगल मीट पर आईडी कैसे बनाते हैं, ऑनलाइन क्लास कैसे लेते हैं, यानी डिजिटली आपको प्लेटफॉर्म्स को यूज करना आना चाहिए। सोशल मीडिया आपको आनी चाहिए, फेसबुक, इंस्टाग्राम। ऐसा नहीं कहता कि इसमें मास्टरी हो आपकी, लेकिन बेसिक नॉलेज आपको चाहिए जहां पर आप अपनी पोस्ट शेयर कर पाए, आपके सिटी के स्कूल्स के ग्रुप्स को आप ज्वाइन कर पाए और उनके थ्रू आप अपने सेंटर पे अपने कोर्स में लीड लेके आ पाए। इसके लिए आपको डिजिटली और सोशल मीडिया का नॉलेज होना जरूरी है आज के टाइम में एक परफेक्ट टीचर बनने के लिए, एक अच्छी कोचिंग को रन करने के लिए, राइट। नेक्स्ट, आपके पास मार्केटिंग के सारे मेथड्स, सारे सिस्टम और टेक्निक्स का नॉलेज होना चाहिए। अब कुछ टेक्निक्स है जिनको तो हर आदमी जानता है, आप भी जानते हैं कि बॉल राइट में पेंटिंग करा दीजिए, कुछ पैम्पलेट्स डिस्ट्रीब्यूट करा दीजिए। नहीं, इसके अलावा और काफी सारी टेक्निक्स हैं जिनको अगर हम करते हैं ना, डेफिनेट रिजल्ट मिलता ही मिलता है, लेकिन इतना आसान नहीं होता है। मैं आपको इतनी सारी टेक्निक्स बताने वाला हूँ मार्केटिंग की जो मैंने यूज की है, लेकिन उन टेक्निक्स को यूज करने में बहुत स्ट्रगल करना पड़ा, बहुत मेहनत करनी पड़ी, जो आसान नहीं है। और याद रखना कि जब आप मेहनत करते हैं, कड़ी मेहनत करते हैं रिजल्ट लाने के लिए, तो रिजल्ट आता ही है। ये मैं अपना एक्सपीरियंस से बताता हूँ। हो सकता है कि आप 100 तक ना पहुंचे, 50 तक पहुंचे, 10 तक पहुंचे, 5 तक पहुंचे, एट लीस्ट नहीं होने से बेटर है कि आप अपने एफर्ट्स दिखाएं। तो मार्केटिंग की सारी टेक्निक्स मैं आपको बताने वाला हूँ। नेक्स्ट, आपका कम्युनिकेशन स्किल और कोऑपरेटिव बिहेवियर होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि अगर स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम आया तो आप थोड़ा सा इरिटेट हो जाए, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको कोऑपरेटिव होना चाहिए। अगर स्टूडेंट को प्रॉब्लम आया है तो अगेन समझाए उसे, ऐसा नहीं बोले कल ही तो मैंने समझाया है, पिछले लास्ट क्लास में तो उसको एक्सप्लेन किया था। नहीं, आप 2 times 3 times आप रिपीट कीजिए, क्योंकि ये स्कूल नहीं है कि आपका बिहेवियर कैसा भी हो स्टूडेंट आ जाएगा। अगर स्टूडेंट को आपका बिहेवियर अच्छा नहीं लगा, आपके साथ वो बाउंडिंग नहीं हो पाया, तो नेचुरल बात है कि वो ड्रॉप आउट हो जाएगा, रियलिटी। इसलिए आपको कम्युनिकेशन स्किल अच्छा रखना है। अच्छा, कम्युनिकेशन का मीन्स ऐसा नहीं कि आपका इंग्लिश बहुत अच्छा हो, हिंदी बहुत अच्छा हो। आप जो भी लोकल लैंग्वेज में टीच करते हैं, जिस लैंग्वेज को टीचर्स स्टूडेंट समझ पाते हैं, बस वो समझाने का वे आपका अच्छा होना चाहिए। अच्छा, उसके लिए एक तरीका भी है कि आप जब मेरे वीडियो देख रहे हैं तो मेरे वीडियोज को देखने के बाद आप मेरी कॉपी कर सकते हैं। और हाँ, जैसे ही आप अपना फर्स्ट बैच आप निकाल देंगे ना, आपको मेरी कॉपी की जरूरत नहीं है, आपके खुद की टेक्निक्स, खुद का स्टाइल आप यूज कर पाएंगे। तो फर्स्ट बैच के लिए आपको लगता है कि किसी टॉपिक को एक्सप्लेन करना है तो वर्ड कहां से लेके आए, तो आप मेरा कॉपी कर सकते हैं वीडियोस को देखकर, राइट। नेक्स्ट, आप प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटीज आपके अंदर होनी चाहिए, सेल्फ मोटिवेटर होने चाहिए, यानी सेल्फ मोटिवेशन बहुत जरूरी है। जो एक्सटर्नल लोग बाहर से अपने आप को मोटिवेट करते हैं ना, वो कुछ टाइम के बाद डाउन हो जाता है। इसलिए मोटिवेशन वही बेस्ट होता है जो इंटरनली होता है, सेल्फ होता है, आप अपने आप को मोटिवेट करते हैं, राइट। और मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ कि हो सकता है कि स्टार्टिंग में 1 month 2 month 3 month आप जितना एक्सपेक्ट करके चल रहे थे वो रिजल्ट नहीं मिला, तो आप हताश नहीं होना है, ठीक है। आपको और ज्यादा मेहनत कर रही है, ज्यादा एफर्ट्स दिखाने हैं रिजल्ट लाने के लिए।
राइट। नेक्स्ट है कि आपको सारे के सारे प्रमोशनल इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना है, अपना माइंड को ओपन रखना है और पैशनेट होना है, पैशन के साथ काम करना है। माइंड को ओपन का इन द सेंस कि अगर एक टेक्निक्स काम नहीं कर रही है, दूसरी टेक्निक्स यूज करेंगे, वो मेथड्स यूज करेंगे। मैंने जितनी टेक्निक्स बताई है उनको सबको यूज कीजिए। इसके अलावा आपको लगता है कि मेरी सिटी में ये एक्टिविटी ज्यादा सक्सेसफुल है तो आप उसको यूज करें आप, राइट। और आप हमेशा अपने आप को अपग्रेड करते रहें, सारे के सारे लर्निंग करते रहें। ये जो सारे टेक्निक्स है ये तो आपको रिकॉर्डेड वीडियो में तो मिल ही रही है। जब भी मेरे लाइव सेशन हो, नितिन सर का सेशन हो, तो आप ज्वाइन जरूर कीजिए। आपको हर सेशन में कुछ ना कुछ ज्यादा जानने को मिलेगा। और कभी कभी क्या होता है कि जब बहुत सारे लोग कुछ क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जो क्वेश्चन आपके माइंड में नहीं हुआ वो दूसरे टीचर के माइंड में आएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट तो आपका भी क्लियर होने वाला है, राइट। तो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं हमारे नेक्स्ट प्रोसेस का। हाँ, ये स्लाइड उनके लिए है जो पूछते हैं कि सर मुझे करना क्या है। किट तो मिल गई, आपकी वीडियोस के एक्सेस भी मिल गए, लेकिन अब करूँ क्या, स्टार्ट कहाँ से करूँ। तो मैं आपको बता देता हूं कि पहले आपको अबेकस में लेवल 1 के वीडियो वॉच करने हैं और बुक्स में प्रैक्टिस करनी है। याद रखना, आप चाहे वैदिक मैथ हो या अबेकस हो, आपको लेवल 1 के वीडियो वॉच करने हैं, बुक्स और टूल अपने साथ रखें और बुक्स में प्रैक्टिस करते जाएं। जहां प्रॉब्लम आए उसे नोट करते जाएं। नितिन सर के नंबर आप लोगों के पास है, ये उनको व्हाट्सएप करके अपने डाउट्स को क्लियर कर सकते हैं। तो पहला काम है लर्न करना, फिर प्रैक्टिस करना। जितनी अच्छी लर्निंग होगी, जितनी अच्छी प्रैक्टिस होगी, उतनी ही अच्छे से आप टीच कर पाएंगे, राइट। तो आप अपनी बुक्स को फिल कर लें। अच्छा, सेकंड चीज आप देखेंगे कि लेवल 1 तो आपने 3 to 4 days में सबने कंप्लीट कर लिया होता है, बुक से भी फिल कर दी होती है, लेकिन स्टूडेंट के लिए तो ये 3 month का कोर्स होता है। तो जो आपने 3 days में लेवल 1 कंप्लीट किया है, उसे 12 classes में, 12 Sunday की क्लास में कैसे डिवाइड करना है, उसके लिए मैंने आपको लेसन प्लान दिया हुआ है। जब आप लॉगिन होते हैं तो रिसोर्स के नाम का एक फोल्डर है, उसमें आपको लेसन प्लान आपको मिल जाएगा। उस लेसन प्लान में मैंने क्लास वाइज सारे टॉपिक्स दिए हुए हैं कि क्लास 1 में कौन कौन से टॉपिक आपको एक्सप्लेन करना है, क्लास 2 में कैसे करना है, राइट। और जो लोग पूछते हैं ना कि सर मुझे ऑनलाइन पढ़ाना है तो क्या करूं, तो देखो ऑनलाइन पढ़ाने का तरीका एक तो ये हो सकता है, जैसा कि मैं आपकी जूम पर क्लास ले रहा हूँ और सब कुछ मैं टूल भी अपने पास रखूँ, टूल के ऊपर भी कैलकुलेट करके दिखाऊं, या आपके डाउट को डायरेक्ट सॉल्व करके दिखाऊं क्वेश्चंस को। एक सेकंड तरीका होता है कि आप मेरे वीडियोस को अपने डेस्कटॉप पर रन कर सकते हैं, ठीक है जी। आप मेरे वीडियोस को डेस्कटॉप पर रन कर सकते हैं, और रन करने के बाद मेरे वीडियो को म्यूट कर दिए ताकि मेरा वॉइस नहीं जाए। आप अपने वॉइस में एक्सप्लेन करो और बैकग्राउंड में वीडियो मेरा चलेगा। आपके पास यूजर नेम आईडी है ये, तो लॉग इन करें और उसको स्क्रीन को शेयर कर सकते हैं। ऐसे भी कई सारे टीचर्स क्लासेस लेते हैं, राइट। अब हम लोग देखते हैं कि आपका जो ट्रेनिंग है वो 3 पार्ट में रहेगा। एक तो कोर्स का ट्रेनिंग, अबेकस वैदिक में टॉपिक वाइज आपको सारे के सारे वीडियोज भी दे दिए हैं और लाइव सेशन भी ले रहे हैं हम लोग। काउंसलिंग कैसे करना है पेरेंट्स का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, क्योंकि कभी कभी हम लोग मार्केटिंग करके ट्रैफिक हमारे सेंटर पे तो ले आ पाते हैं, पेरेंट्स आ तो जाते हैं, लेकिन हमें उन्हें 30 से 40 मिनट में कैसे एक्सप्लेन करेंगे, यानी हमारी काउंसलिंग बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, राइट। तो काउंसलिंग भी आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। हालांकि मैंने इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया हुआ है कि पेरेंट्स की काउंसलिंग कैसे करें, राइट। इसके अलावा मार्केटिंग, जो आज हम लोग डिस्कस करने वाले, तो ये हमारे 3 पार्ट में ट्रेनिंग का है, राइट। तो सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं आज एडवर्टाइजिंग की, या डेटा कलेक्शन, या लीड जनरेशन, जिसे हम लोग मार्केटिंग कहते हैं, और यही हमारा मेन टॉपिक है जिसके लिए आज का मैंने आपका सेशन रखा है। तो अब हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है मार्केटिंग का, राइट। तो सभी को मेरा वॉइस क्लियर आ रहा है, स्क्रीन प्रॉपर शेयर हो रहा है, कोई भी रिप्लाई कर सकते हैं। यस सर, यस ओके सर। ओके ओके ओके, थैंक यू राइट। अब देखते हैं मार्केटिंग। मार्केटिंग के पीछे हमारा मेन ऑब्जेक्ट होता है लीड्स लाना,
लीड्स इन द सेंस कुछ लोग जानते भी होंगे कुछ नहीं जानते होंगे। लीड्स का मीन्स होता है इंक्वायरीज, डेटा, उनके फोन नंबर, उनके व्हाट्सएप नंबर, उनका ईमेल आईडी, उनका नेम, एड्रेस, यानी कस्टमर की इंफॉर्मेशन, जिसे हम लोग लीड्स कहते हैं या इंक्वायरीज कहते हैं, राइट, या हमारा प्रोस्पेक्टिव कह सकते हैं हम। ये हमारी लीड है। तो मार्केटिंग करके आपको लीड लाना होता है। अब आपने किसी भी एक स्टूडेंट से बात किया, ऐड किया, अब यहाँ पर दो चीजें हैं। आपको उस स्टूडेंट के बारे में इंफॉर्मेशन तो मिल गया, अब या तो वो कोर्स ज्वाइन करेगा या नहीं करेगा, राइट। अगर वो कोर्स ज्वाइन करता है तो आप उसके बैच बनाएंगे और रिजल्ट डेवलपमेंट के लिए एक अलग सिस्टम होगा जिस पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आज बात करने वाले हैं कि अगर उसने एडमिशन नहीं लिया तो उसके बाद क्या। लीड तो आपके पास आ गई, मार्केटिंग की कौन कौन सी टेक्निक्स हैं वो तो हम लोग डिस्कस करेंगे, काफी सारी टेक्निक डिस्कस करने वाले हैं, लेकिन उनसे होगा क्या, आपके पास लीड्स आएंगी, डेटा आएगा, वो स्टूडेंट आएंगे जो एडमिशन ले सकते हैं। अब उनमें से जिनका एडमिशन हो गया वो तो आपके स्टूडेंट बन गए, उनके बैचेज भी आप बनाएंगे संडे टू संडे और उनकी क्लासेज स्टार्ट कर देंगे, लेकिन जिन्होंने एडमिशन नहीं लिया है उनकी, उनको नर्चर करना बहुत जरूरी है। आपके पास 100 लीड्स आ गए, 100 डेटा आ गया, उनको नर्चर करना। नर्चर इन द सेंस कि आज उन्होंने आपका कोर्स परचेज नहीं किया है, आज आपका इंस्टीट्यूट को ज्वाइन नहीं किया है, लेकिन ऐसा नहीं कि फ्यूचर में भी नहीं करेंगे वो आप, ठीक है। और लोग यही गलती करते हैं, हमेशा ऐड कर करके वो हमेशा नए लोगों को अपना ऐड दिखाते हैं, और जो पहले से उनके पास लीड आई है, डेटा आया है, उन पे उनका ध्यान ही नहीं होता है, राइट। क्योंकि कोई भी पर्सन आपसे वन टाइम में परचेज नहीं करता है, राइट। हाँ, वो बात अलग है कि आपकी सिटी में ऑफलाइन मार्केटिंग कर रहे हैं, पेरेंट्स से आप डायरेक्ट अटैचमेंट हो गया, आपका कम्युनिकेशन काफी लंबा चला है, तो वो एक पॉसिबिलिटीज है। लेकिन अगर आप ऑनलाइन लेके जा रहे हैं तो ऑनलाइन जरूरी नहीं है कि वन टाइम में आपके साथ स्टूडेंट कनेक्ट हो जाए, तो उनको नर्चर करना बहुत जरूरी है। नर्चर इन द सेंस कि उन्हें रेगुलर आपको व्हाट्सएप पर, फेसबुक के थ्रू आपको अपनी पोस्ट दिखानी पड़ेंगी, अपनी वीडियोस दिखाने पड़ेंगे। जो स्टूडेंटों ने पहले कोर्स किया है उनके रिजल्ट, वो क्या परफॉर्म कर सकते हैं, उनको क्या चीजें जान सकते हैं, उनका कैलकुलेशन स्पीड कैसे बन जाएगा, कितना तेज हो जाएगा, उनसे रिलेटेड छोटे छोटे माइक्रो वीडियो आप पोस्ट बनाकर आप शेयर कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि हमें पोस्ट बनाना नहीं आता है, आपको लगता है कि मुझे फेसबुक पर शेयर करने के लिए पोस्ट बनाना नहीं आता है, तो वो मैं आपको सिखा दूंगा। वैसे तो मैंने आपको एक कोर्स दिया है, आप जब देखेंगे तो उसमें मैंने एक लिंक दिया है कैनवा के ऊपर आप अपने डिजाइन कैसे बनाएं, नहीं तो यूट्यूब पर हजारों वीडियो है कैनवा का यूज कैसे करें। कैनवा इतना बढ़िया सॉफ्टवेयर है कि आप विद इन 2 मिनट के अंदर अच्छे से अच्छे क्रिएटिव डिजाइन आप बना सकते हैं, और उन्हें फिर रेगुलर आप उनको शेयर कर सकते हैं, इवन वहां पर आप अपने वीडियोज भी बना सकते हैं। तो सिंपल बात, हम लोग आगे डिस्कस करेंगे कि ये प्रोडक्शन आप कैसे कर सकते हैं, ये तो टॉपिक अलग ही है। तो आज बात कर रहे हैं हम लोग मार्केटिंग के लिए, ताकि आप लीड ला सके और लीड को स्टूडेंट में कन्वर्ट कर पाए, जो नहीं हो रहे हैं उनको एक नर्चर सिस्टम में, उनको रेगुलर आप अपने ऐड दिखाकर, आप अपनी पोस्ट देकर, उनको कुछ डेमो क्लास दिखाकर आप उन्हें अपने पास ला सकते हैं। तो अब वो टेक्निक्स कौन कौन सी है जिनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट है मिशन 500 फैमिलीज। ये टेक्निक्स में बता रहा हूं ऑफलाइन सेंटर के लिए, राइट। जब भी आप अपना ऑफलाइन सेंटर स्टार्ट करें तो सबसे पहले मिशन 500 फैमिली, आपके सेंटर के सराउंडिंग चारों तरफ जो 500 फैमिलीज है उनसे जाकर आपको पर्सनली मीटिंग करना है। मुझे पता है काफी लोगों को ये ईगो पर आ जाता है कि मैंने कभी ऐसा काम किया नहीं, आपको लगता है, क्योंकि अगर हम लोग जब तक एफर्ट्स नहीं डालेंगे ना तब तक हमको रिजल्ट नहीं मिलेगा, ठीक है। तो इसलिए आपको एफर्ट्स डालना ही डालना है। अच्छा, आप 500 फैमिली से अगर मिलते हैं ना तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उनके थ्रू बहुत लीड्स आती है। यस, कभी कभी आपने देखा होगा जो इंस्टीट्यूट चला रहे हैं, कोचिंग चला रहे हैं,
आपके पास आपका पड़ोसी का बच्चा नहीं आ रहा है और दूसरी कॉलोनी के बच्चे आपके पास आ रहे हैं और आपकी कॉलोनी के कहीं और जा रहे हैं, उसके पीछे मेन रीजन है कम्युनिकेशन का गैप। आप जब तक जाकर उनके साथ कम्युनिकेट नहीं करेंगे, आप अपने प्रोडक्ट सर्विसेज के बारे में नहीं बताएंगे, जब तक आप ये विश्वास नहीं बताएंगे कि आपके बच्चे में रिजल्ट लाने के लिए मैं बहुत मेहनत करने वाला हूं या करने वाली हूं, तब तक वो पेरेंट्स भेजने को एग्री नहीं होते। इसलिए पहला मिशन कि आप जब भी सेंटर ओपन करें तो पहले आप अपने सेंटर के सराउंडिंग 500 फैमिलीज को टच करना है, पर्सनली मीटिंग करना है। अगर आपको लगता है कि इंडिविजुअल मुझे अकेले को जाने में शर्म आती है, थोड़ा ईगो का है इशू है, तो आप किसी और को भी अपने साथ ले सकते हैं। अगर आप लेडीज है तो घर में आप अपने हस्बैंड को, अपने बच्चों को, अपने भाई को, यानी किसी न किसी फैमिली मेंबर को लेके जा सकते हैं और पर्सनली मीटिंग कर सकते हैं। आपने देखा होगा बहुत सिटीज के अंदर जितने भी स्कूल्स होते हैं वो जाकर डोर टू डोर मार्केटिंग करते ही करते हैं, राइट? तो 500 फैमिलीज या 500 मीटर्स, जो भी जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोग आ जाएं उसको टारगेट करना है, पहला स्टेप, राइट? जो लोग नहीं करते हैं, मैक्सिमम लोग नहीं करते हैं, आप में से बहुत सारे टीचर्स हैं जो ऑलरेडी हो सकता है कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन मुझे पता है 90% लोग नहीं करते होंगे, राइट? सेकेंड, सेंटर ओपनिंग इवेंट्स। यस, जब भी आप अपना सेंटर ओपन करें तो आपको ये नहीं करना है कि सेंटर सीधा ओपन कर लिया, नहीं, आपको उसका एक छोटा सा इवेंट रखना है। इवेंट इसलिए ताकि कॉलोनी के लोगों को जब मालूम पड़ेगा कि आपके यहाँ पर एक सेंटर रन हुआ है तो लोगों का झुकाव आपकी तरफ होगा, ठीक है? कभी कभी कुछ लोगों के सामने प्रॉब्लम आती है कि सर मैंने पहले भी 2 बार सेंटर ओपन किया, अलग अलग कंपनियों को चलाया था, कुछ और कोर्स चलाए थे, वो सक्सेसफुल नहीं हुए, इसलिए मुझे इवेंट करना अच्छा नहीं लगता, लोगों को लगता है इवेंट किया है, सेंटर चलाया फिर बंद कर दिया। नहीं, नेगेटिव हमें नहीं होना है, आपको छोटा सा एक इवेंट करना ही करना है जिसमें कॉलोनी के लोगों को इनवाइट करना है, तो उस इवेंट के नाम पर आप उन्हें अपने कोर्सेज की जानकारी दे सकते हैं, उनके साथ कम्युनिकेट हो सकते हैं, राइट? और नेक्स्ट, ये तो आप लोग जानते ही हैं, एरिया पैम्पलेट्स। नॉर्मली लोग क्या करते हैं कि एक न्यूज़पेपर के अंदर 10,000 20,000 पैम्पलेट्स को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, उनको पता भी नहीं होता रैंडमली वो कहाँ जा रहे हैं। इससे अच्छा है कि आप अगर न्यूज़पेपर में भी अपने पैम्पलेट्स निकलवा रहे हैं तो आपको अपने कॉलोनी को जोन में डिवाइड करना है कि पहले इस जोन में या इस कॉलोनी में या इस हिस्से में पैम्पलेट जाना चाहिए, और फिर आप वेट कीजिए वहां से कितना रिजल्ट आया, सेकंड कॉलोनी में सेकंड डे। इससे क्या होगा, आप बहुत अच्छे से एनालिसिस कर पाएंगे कि किस कॉलोनी में पैम्पलेट्स का रिजल्ट आता है और किस कॉलोनी से नहीं आता है। अगर आपने 10 जोन के अंदर 10 जोन डिवाइड करके डिस्ट्रीब्यूट किया है और 8 में रिजल्ट नहीं आया, तो डेफिनेट आप समझना कि वहां पर पैम्पलेट डालने का कोई बेनिफिट नहीं है। वैसे तो आजकल पैम्पलेट का जमाना ही गया, क्योंकि बहुत कॉस्टली पड़ता है, प्रिंटिंग कॉस्ट बहुत ज्यादा आने लगा है, पेपर की प्राइस बहुत ज्यादा इंक्रीज हो गई है, फिर डिस्ट्रीब्यूशन का खर्चा, राइट? लेकिन आप चाहें तो एक वन टाइम तो करके देख ही सकते हैं। नेक्स्ट है स्कूल कैनोपी। बस ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, और मेरे सेंटर पे सबसे ज्यादा एडमिशन लाने में स्कूल कैनोपी अपना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है? अब ये स्कूल कैनोपी है क्या, ठीक है? इस बात को हम लोग समझे कि स्कूल कैनोपी, अब इसको मैंने स्कूल कैनोपी क्यों बोला है, सबसे मेन बात कि आपको एक 4x4 की कैनोपी बनवानी है जिसमें बहुत अच्छे अच्छे बैकग्राउंड में डायलॉग्स लिखे होंगे कि आपका बच्चा भी बनेगा जीनियस, पलक झपकते ही गणित के सवालों को सॉल्व करना, ठीक है? आपका बच्चा भी 50,000 तक टेबल्स लिख सकता है, इस प्रकार की अच्छी अच्छी ऐसे डायलॉग जो पेरेंट्स की नीड है, वो चाहते हैं वो रिजल्ट अपने बच्चों में, जो रिजल्ट पेरेंट्स अपने बच्चों में चाहते हैं वही टाइटल में लिखना है, क्योंकि किसी को भी आपके प्रोडक्ट में इंटरेस्ट नहीं है, सभी को अपनी नीड में इंटरेस्ट है कि वो अपनी नीड को कैसे पूरा कर पाए आपसे। तो आपको उनको नीड को, उनकी प्रॉब्लम्स को, जो वो चाहते हैं
वही टाइटल में आपको लिखना है। क्लियर? आपने देखा होगा कि मेरे काफी सारे टीचरों को जब मैं ऐड करता हूँ, रन करता हूँ, तो मैं कभी कभी अभिकस का नाम भी नहीं लेता। मैं कहता हूँ अगर आप टीचर हैं और आप चाहते हैं संडे टू संडे एक ऐसा बिजनेस करना जिसमें 4 से 5 घंटे आप वर्क करके इनकम कर पाओ और आपको एग्जिस्टिंग जॉब को भी डिस्टर्ब नहीं करना पड़े, तो आप हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मैंने एक डायलॉग लिखा। अब लोग कॉन्टेक्ट करते तब बताते हैं कि आपको ये वो प्रोग्राम है वैदिक मैथ, ये वो प्रोग्राम है अबेकस या DMIT, अदर भी हमारे प्रोग्राम्स हैं। हम उनके बारे में उनको बताते हैं कि इनके थ्रू आप संडे टू संडे अपना वर्क कर सकते हैं। लेकिन उनको जरूरत अबेकस की नहीं थी, उनको जरूरत वैदिक मैथ की नहीं थी, उनको जरूरत थी एक सेकंड बिजनेस करने की, साइड बिजनेस करने की और विदाउट हैवी इन्वेस्टमेंट करने की। तो हमने उनकी नीड को पूरा करने के लिए ये प्रोग्राम्स उनको इंट्रोड्यूस किया। तो ऐसे ही बच्चों को, पेरेंट्स को अबेकस नहीं चाहिए, वैदिक मैथ नहीं चाहिए। आपको बच्चों की नीड, उनकी जरूरत से रिलेटेड कंटेंट और टाइटल्स को ही आपको शेयर करना है ताकि लोग आपकी कैनोपी पे आए। तो जब हम लोग स्कूल के बाहर वो कैनोपी लगाते थे और उस कैनोपी पे एक लड़का को बैठा दिया जाता जो एक रजिस्टर, एक पेन लेकर बैठता है और साथ में कुछ पैम्पलेट्स लेके बैठता है। अब होता क्या है कि 50% स्कूल आजकल बच्चे को लेने के लिए पेरेंट्स ही स्कूल में आते हैं और पेरेंट्स छोड़ने जाते हैं। 50% बच्चे तो बस से चले जाते हैं, वैन सुबह फैसिलिटीज रहती है। लेकिन होता क्या है कि पेरेंट्स स्कूल के 5 to 10 मिनट पहले आकर गेट पर स्टेक हो जाते हैं और वेट करते हैं छुट्टी होने का। उस समय वो कैनोपी जब लगी होती है तो सारे पेरेंट्स कैनोपी के पास आते हैं और वो पूछते हैं कि भाई आप संडे टू संडे ऐसा क्या पढ़ाते हैं, क्या ट्यूशन है, क्या स्कूल है, क्या है आपका प्रोग्राम, आके डिस्कस करते हैं। तो वहां पर जो हमारा लड़का होता है वो केवल 2 मिनट की एक स्पीच बोलता है कि सर अबेकस वैदिक मैथ कुछ ऐसी टेक्निक्स हैं जिसमें बच्चों को केवल संडे टू संडे टीच करके भी ह्यूमन कैलकुलेटर बनाया जा सकता है। वहीं पर अगर अगर उसके पास मोबाइल है तो कुछ डेमो वीडियो भी दिखा सकता है, उनको एक पैम्पलेट दे सकता है और वहां उनके कॉन्टेक्ट नंबर और मोबाइल नंबर को रजिस्टर में मेंटेन कर लेगा। राइट? आप सपोज कीजिए कि अगर उसने 20 से 30 डेटा पर डे का लेके आ रहा है, अगर उसकी कैनोपी पर 100 लोग आ रहे हैं और मैं मानता हूं 100 में से भी 70 लोग उसको मोबाइल नंबर भी नहीं दे रहे अपना, लेकिन पैम्पलेट तो उनको जरूर दे रहे हैं, तो उनका जो डेटा है वो इवनिंग में लाकर आपको देंगे। अब आपको करना क्या है, उस डेटा पे कॉल करना है, उनके व्हाट्सएप पे आपको अबेकस वैदिक मैथ से रिलेटेड कुछ डेमो वीडियो शेयर करने हैं, उनको फ्री ट्रायल क्लास के लिए बुलाना है। यानी आपके पास पर डे 30 लीड्स आई हैं, अब उनको कॉल करके संडे को एक्स्ट्रा क्लास फ्री क्लास के लिए, डेमो क्लास के लिए आप बोलने में बुला सकते हैं, उनके पेरेंट्स को बात कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप बनाकर उनको रेगुलर वीडियो शेयर कर सकते हैं। और मेरा मानना है अगर वो 30 में से एक भी एडमिशन कंफर्म होता है तो एवरेज 20 से 25 स्टूडेंट आप मंथली कैनोपी से ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। बस अंतर इतना है, कैनोपी के ऊपर आपको अच्छे स्लोगन लिखने हैं, आपके जो वहाँ अटेंड होगा कैनोपी पे, जो भी आपका एम्प्लॉय है, जो भी पर्सन को खड़ा करें या आप खड़े हों, तो वहाँ एक अच्छी कम्युनिकेशन हो, उनको व्हाट्सएप पर एक अच्छा कंटेंट शेयर करें और आप उनके पास जाकर भी मिल सकते हैं। काफी सेंटर के ऑनर को मैंने ये देखा है, अगर पेरेंट्स सेंटर पर नहीं आ रहे हैं तो वो मीटिंग करने के लिए उनके घर पहुंच जाते हैं, क्योंकि हमें कुछ भी करना है, हमें 200 स्टूडेंट को सेंटर पे लाना ही लाना है। उसके बाद तो हमारे पास रिजल्ट भी होगा, गुडविल भी होगी, पर ऑटोमेटिक बच्चे आएंगे। तो मेरा मानना है कि फर्स्ट ईयर 1 साल तक आप अपनी ईगो को थोड़ा साइड में कर देना, आपके लिए प्रायोरिटी होनी चाहिए सेंटर पे स्टूडेंट का एडमिशन, उसके लिए आपको कुछ भी करना पड़े तो करें। तो एक हो गया कैनोपी जिसको आप स्कूल्स के बाहर लगाएंगे, वहां से डेटा लेके आएंगे, फिर इवनिंग में कॉल करेंगे, उन्हें फ्री डेमो क्लास के लिए बुलाएंगे, फ्री क्लास के लिए बुलाएंगे, तब जाके आपको कन्वर्ट कर सकते हैं, इसे कहते हैं कैनोपी। ये सारे मैं मेथड्स बता रहा हूँ आपको ऑफलाइन सेंटर्स के लिए। राइट? नेक्स्ट देखें, तो यहां तक सभी को समझ में आ रहा है?
आप बोलते भी रहें ताकि मुझे पता रहे कि मेरा वॉइस आ रहा है प्रॉपर वे में। यस सर, यस समझ सर, रहे सर? ओके यस ओके यस सर, ओके ओके, थैंक यू, यस सर। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू। नेक्स्ट है स्कूल वर्कशॉप एंड स्कूल सेमिनार। यस हाँ सर, अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा आप। ओके थैंक यू सर। हाँ, स्कूल वर्कशॉप और स्कूल सेमिनार्स, ये बहुत सक्सेसफुल तरीका है लेकिन बहुत हार्ड वर्क लगने वाला है। आप मेरे यूट्यूब चैनल पे विजिट किया क्या आप लोगों ने? आपको मैं कुछ वीडियोस दिखाना चाहता हूँ, एक मिनट स्टॉप करके। मैं अपना एक बार चैनल पे कुछ वीडियो दिखाना चाहता हूँ जिससे आपको आइडिया लगेगा। लगा अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा आप। आपको स्क्रीन शेयर हो रहा है क्या? नहीं सर, ओके ओके, नहीं हो रहा था। वन मिनट वन मिनट। यस, ये दिख रहा है आप लोगों को, शेयर हो रहा है सर? हाँ सर, हो रहा है सर। हाँ यस यस, ओके ओके, थैंक यू। ये यूट्यूब चैनल है, ये आपने काफ़ी लोगों ने विजिट भी किया होगा। मैं दिखाना चाहता हूँ आपको स्कूल प्रोजेक्ट मैंने कितना किया है, स्कूल में सेमिनार वर्कशॉप कितने किए हैं, वो दिखाना चाहता हूँ मैं आपको। इसलिए मैं कहा कि मैं जो भी टेक्निक्स आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ना, ये सारी टेक्निक्स वो हैं जिनको मैंने बहुत बहुत यूज किया है। अब जरूरी नहीं है कि सभी टेक्निक सभी के लिए हो, सभी को रिजल्ट मिले सभी टेक्निक से, लेकिन हाँ जितना यूज कर सकते हैं ना उतना कीजिए आप। देखो ये स्कूल सेमिनार्स हैं, इस प्रकार से मैं एक वीडियो दिखाना चाहता हूँ आपको। अपना माइक को म्यूट कर लीजिएगा। यस, मैं इसको म्यूट कर देता हूँ अपने वॉइस को। यस, अब आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, ये एक स्कूल का प्रोग्राम है जहाँ पर मैं बच्चों को अभिकर्ष और वैदिक मैथ का इम्पोर्टेंस समझा रहा हूँ, और साथ में ही मेरे सेंटर के कुछ बच्चों को ले जाकर मैंने उनको लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया है। राइट, काफ़ी सारे टीचरों ने कोई ना क्वेश्चन पूछा है, किसी ने मल्टीप्लाई पूछा है, डिवीजन पूछा है, एडिशन सब्ट्रैक्शन, बहुत लोगों ने पूछा और बच्चों ने इसको रिप्लाई किया है। इस प्रकार से ये कहलाते हैं सेमिनार्स, जहां पर आप अपने बच्चों को ले जाकर आप अपने कोर्सेज के बारे में डेमोन्स्ट्रेशन दे सकते हैं, बच्चों को मोटिवेट कर सकते हैं। और हाँ, स्टार्टिंग में आपके पास बच्चे तो होंगे नहीं ताकि डेमो दिखा पाए, तो आप केवल अपने स्कूल्स में जाकर अबेकस का इंपॉर्टेंस बता सकते हैं और उन्हें इनवाइट कर सकते हैं फ्री डेमो क्लासेस के लिए। राइट, तो ये पूरा वीडियो आप देखिएगा, मैंने कैसे एक्सप्लेन कर रहा हूँ, बच्चों को कैसे मोटिवेट कर रहा हूँ, ये वीडियो आप देखिएगा। राइट, इसके साथ साथ और भी काफी सारे वीडियोज हैं जो आपको देखने को मिलेंगे। यह देखिए, ये देखिए आप, अब ये प्रोग्राम है क्या कि एक स्कूल का एनुअल फंक्शन था। राइट, ये करीब 4-5 साल पुराना वीडियो, डेट से आपको मालूम पड़ ही जाएगा कि एक स्कूल का एनुअल फंक्शन था, तो वहां पर सारे पेरेंट्स और बच्चे आए हुए थे, हर
हमने प्रिंसिपल से रिक्वेस्ट करके कि हमारा एक 15 मिनट का प्रोग्राम रखवा दीजिए, हम स्टूडेंट का डेमोन्स्ट्रेशन दिखाना चाहते हैं, अभिकस का इम्पोर्टेंस बताना चाहते हैं, तो ये सारे सारे सेमिनार्स हैं। आप मानो कि 5 स्कूल से बात करोगे ना या 10 स्कूल से बात करोगे, जब एक स्कूल एग्री होता था और सभी के साथ में है, लेकिन जब हजारों लोगों के सामने आपके बच्चे परफॉर्म करते हैं, बच्चे क्वेश्चंस का आंसर देते हैं, तो इसका एक रिजल्ट, एक इम्पैक्ट अलग ही होता है। इसे कहते हैं हम लोग स्कूल सेमिनार। अब देखिए काफी सारे हैं, बहुत है ये स्कूल्स के सारे सारे प्रोग्राम्स हैं, ये सभी स्कूल्स के हैं, ये भी स्कूल्स के हैं, तो इस प्रकार से ये भी स्कूल्स के हैं, तो स्कूलों के प्रोग्राम्स को आपको बच्चों के सामने लेके जाना है, राइट। यस, तो अब समझ में आया है आपको स्कूल सेमिनार कि स्कूल्स के अंदर आपको भाई इस अकाउंट इज लॉग्ड। हेलो, तो इट वाज सेइंग जस्ट हेलो, प्लीज म्यूट सर, आपका स्पीकर ऑन है सर। हाँ, तो आपको करना क्या है, स्कूल्स के अंदर सेमिनार्स करने हैं। सेमिनार्स कैसे होंगे, फर्स्ट तरीका है कि आप, आपके पास डेमो के लिए कुछ स्टूडेंट्स हैं तो उन्हें ले जाकर दिखा सकते हैं, इम्पोर्टेंस बताएंगे, डेमो दिखाएंगे और फ्री क्लास के लिए इनवाइट करेंगे क्लास क्लास में जाकर। सेकंड तरीका ये होता है कि अगर आपके पास स्टूडेंट नहीं है तो आप केवल अपने कोर्सेज का, अबेकस का इम्पोर्टेंस बताएंगे और एक चाहे अगर स्कूल एग्री करते हैं तो एक फ्री डेमो क्लास आप स्कूल में भी रख सकते हैं, चाहे वो वैदिक मैथ्स की 5 टेक्निक्स को आप समझ के जाएं और वो टेक्निक आप रिपीट करें ताकि बच्चों को लगेगा कि 5 टेक्निक से ही हमको शॉर्ट में मैथ को करना आ गया है, या आप अबेकस में कैलकुलेशन करके दिखाएं या उनको इंट्रोडक्शन दे, तो इसे कहते हैं स्कूल सेमिनार। और एक होता है स्कूल वर्कशॉप। स्कूल वर्कशॉप क्या होते हैं कि स्कूल के अंदर आप 2 डेज का 3 डेज का क्लास रख सकते हैं। आप अपना, हेलो मैम, अपने स्पीकर को म्यूट कर दीजिए आप। नितिन सर आप देख लीजिए, म्यूट कर दीजिएगा। ओके, थैंक यू। हेलो, यस, नेक्स्ट होता है स्कूल वर्कशॉप। स्कूल वर्कशॉप में क्या होता है कि आपको 2 से 3 डेज का या 4 डेज का आपको एक कैरिकुलम डिजाइन कर लेना है और वो कोर्स आपको फ्री ऑफ कॉस्ट स्कूल में देना है या एक मिनिमम चार्ज पे दे सकते हैं आप, 99 रुपीज, 299, 199, इसके बेस पर आप एक छोटा प्रोग्राम बनाएंगे और बच्चों को इंट्रोड्यूस करेंगे। अभी आपके पास समर कैंप के नाम पर भी आप रन कर सकते हैं, इसको तो मैंने अलग से पॉइंट लिया है कि आप चाहें तो 1 मंथ का या 10 डेज का एक कोर्स डिजाइन कर सकते हैं और बच्चों को वो एक मिनिमम फीस पर आप समर कैंप के नाम पर या एक छोटे वर्कशॉप के नाम पर स्कूल्स में रन कर सकते हैं स्कूल की हेल्प से। इससे क्या होगा कि जब बच्चों को आपके बारे में मालूम पड़ेगा, आपके टीचिंग मेथड्स के बारे में मालूम पड़ेगा और आपके कोर्स के बारे में जानकारी होगी तो रेगुलर कोर्स में सेंटर पे लाने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं, राइट। नेक्स्ट होता है एप्टीट्यूड टेस्ट। आप एक काम ये भी कर सकते हैं कि आप अपनी सिटी में लीड जनरेशन के लिए, डेटा लाने के लिए 6 से 14 साल के बच्चों का, 7 से 15 साल के बच्चों का एक कैटेगरीज बनाएं और वहां एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। टेस्ट के नाम पर बहुत लोग फॉर्म फिल करते हैं, उसमें कुछ अवार्ड रखिएगा, सर्टिफिकेट रखिएगा। हेलो मैम, नितिन सर, आर यू हियर? हेलो, हेलो नितिन सर, वन मिनट। जी सर, हाँ, ये का स्पीकर ऑन है सर, म्यूट कर दीजिए आप थोड़ा सा। हो गया सर, किसी का ऑन था तो बंद कर दीजिए, डिस्टरबेंस हो रहा था। ओके ओके, थैंक यू। यस, तो आप अपनी सिटी में एक टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अब टेस्ट किसी के नाम पर हो सकता है,
5 मिनट में सबसे ज्यादा एडिशन कौन करेगा, 5 मिनट में सबसे ज्यादा मल्टीप्लाई कौन करेगा 2 डिजिट से 2 डिजिट का, या ये कौन करेगा, या कुछ जीके के क्वेश्चंस रख दिए। आपने एक टेस्ट ऑर्गेनाइज किया और फेसबुक से उसको कैंपेन किया और उसका चार्ज आपने मिनिमम रख दिया 10 रुपीज, 20 रुपीज, 40 रुपीज या फ्री ऑफ कॉस्ट, क्योंकि आपका ऑब्जेक्ट को कोई अर्निंग करना तो है नहीं है, आपका ऑब्जेक्ट है लीड लेके आना, राइट। तो पहली बात तो वही बच्चे कॉम्पिटिशन को देते हैं जो थोड़ा सा पढ़ने में इंटरेस्ट रखते हैं, और पेरेंट्स भी वही फॉर्म फिल करवाएंगे जो अवेयर्ड है, तो उससे आपकी सीट में बहुत सारा डेटा आता है। आप उन्हें अवार्ड देकर फ्री तो कर सकते हैं, या एक छोटा सा इवेंट रख लिया बिनर्स के लिए और वहां पर आप अपने प्रोडक्ट और सर्विसेज को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं, उन्हें एक फ्री डेमो क्लास के लिए आप उन्हें बुला सकते हैं, राइट। तो आपके पास एडमिशन के चांसेस बढ़ जाते हैं, कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है ब्रेन साइंस क्लिनिक। अक्सर क्या होता है कि आपको आप चाहे तो अगर आपके पास कोर्स नहीं है, आपने ट्रेनिंग नहीं भी लिया है ना, राइट, तो आप क्या कर सकते हैं कि आप इंटरनेट से जाकर मेमोरी साइंस या निमोनिक साइंस की कुछ टेक्निक्स को आप सीख सकते हैं, यानी चीजों को लर्न कैसे किया जाए, बड़े से बड़े ऑब्जेक्ट को लर्न कैसे करें, स्पेल को लर्न कैसे करें। कोई भी एक दिन का आप 2 से 3 घंटे स्टूडेंट को कुछ नया सिखा पाए, उसके लिए एक मेमोरी साइंस का या कुछ टेक्निक्स को आप तैयार कर लेना। आप अगर दिक्कत है तो नितिन सर आपकी हेल्प कर देंगे, तो आप कुछ टॉपिक्स, कुछ एग्जाम्पल, कुछ मेथड आपको सिखा देंगे नितिन सर, उससे आप बच्चों में मेमोरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो आप चाहे तो ब्रेन साइंस क्लिनिक के नाम पर एक प्रोग्राम लॉन्च कर सकते हैं, आप लिख सकते हो एग्जाम टाइम में कभी भी आप चला सकते हैं कि आप ट्रेन द ट्रेनर, वो ट्रेन द ट्रेन योर माइंड, ठीक है, आप अपनी मेमोरी को बूस्ट कैसे करें। केवल 2 घंटे की ट्रेनिंग में आप पूरी बुक को लर्न कर सकते हैं, आप ये कर सकते हैं, कुछ ऐसे हेडिंग्स लिखकर आप थोड़ा ऐड करेंगे और लिखेंगे चार्ज फ्री ऑफ कॉस्ट या 50 रुपीज, जो भी आप मिनिमम रखना चाहते हैं। तो इसे आप कोई भी एक नाम दे सकते हैं, हमने इसका नाम रखा था ब्रेन साइंस क्लिनिक। हम क्या है, हमारा अभिकस का नाम नहीं देते थे, क्योंकि बहुत सारे टेक्निक्स करते, अदरवाइज पेरेंट्स को मालूम पड़ता है ये सब कुछ अभिकस वाले ही कर रहे हैं, इसलिए हम लोग क्या करते थे, इन प्रोग्राम्स का नाम अलग अलग रखते थे। तो आप अपना इस प्रोग्राम का नाम, इवेंट का नाम कुछ भी रख सकते थे, हम इसको ब्रेन साइंस क्लिनिक रखते थे, राइट, जहां पर हम लोग बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट मेमोरी साइंस की कुछ टेक्निक सिखाते थे, या उनको DMIT की रिपोर्ट जनरेट करते थे। इससे बहुत ट्रैफिक हमारे पास आता था और फिर वहां से हम पेरेंट्स को रीच आउट कर सकते थे, उन्हें फ्री डेमो क्लासेस के लिए ला सकते थे, उन्हें फ्री वर्कशॉप के लिए ला सकते थे, ताकि उसे नेक्स्ट हमारे मेन प्रोडक्ट में इनरोल किया जा सके, राइट। फ्री ट्रायल क्लासेस, ये तो मैंने हर बार बोला है कि आपको हर बार जो भी इंक्वायरी आए उन्हें फ्री ट्रायल क्लास का जरूर बोलिए, क्योंकि हमारे इंडिया में फ्री लोगों को सुनना बहुत पसंद है, राइट। तो अगर फ्री बोलेंगे तो वो एक दिन के लिए एग्री हो जाएंगे पेरेंट्स बच्चों को भेजने के लिए। अब आपके पास एक दिन का टाइम है, बच्चों को ऐसा अच्छा से पढ़ाना है, उनको इतना मोटिवेट करना है, इतना इम्पोर्टेंस बताना है, पहले मैथ में उनको क्या क्या डिफिकल्टीज आती थी ये बताना है, फिर कोर्स कंप्लीट होने के बाद वो क्या कर सकते हैं ये बताना है, तो फिर उन बच्चों के रेगुलर एडमिशन में आपकी हेल्प मिलती है। नेक्स्ट है बुक स्टॉल पैम्पलेट्स। ये क्या होता था, ये हम लोग सीजनेबल टाइम में करते थे। अभी क्या हो रहा है, जैसे स्कूल्स ओपन होंगे तो सारे के सारे बच्चे बुक स्टोर पर जाकर अपनी अपनी स्कूल की बुक को परचेज करते हैं। तो बेसिकली होता क्या है, अलग अलग सिटी में कुछ भी हो सकता है, हमारी सिटी में क्या सीन है कि जब सारे के सारे जो स्कूल्स हैं ना, वो पर्टिकुलर शॉप से पर ही बच्चों को बेचते हैं कि आप उस शॉप पर जाइए, वहीं पर हमारे स्कूल की बुक मिलने वाली है। तो ऐसे हमारे यहाँ पर 8 से 10 एक बुक स्टोर है जो बड़े फेमस है, जहां पर मैक्सिमम स्कूल्स के बच्चों की बुक से मिलती हैं, या टॉप जो स्कूल्स हैं सॉरी उनकी बुक्स वही स्टोर पे मिलती है। तो हम क्या करते थे, उस स्टोर के नियरेस्ट हम हमारी कैनोपी लगाते थे। कैनोपी लगाने के बाद उन्हें हम लोग पैम्पलेट देते थे वहां पर। तो इससे क्या होता था कि हमें 100 अगर पैम्पलेट भी जा रहा है ना, तो भी यह मानो कि हमारे टारगेटेड ऑडियंस के पास जा रहा है। आप ये नहीं देखे कि उससे एडमिशन नहीं होगा, नहीं, बच्चा आपका पैम्पलेट लेके जाए,
आपके बच्चों को, पेरेंट्स को आपकी कैनोपी दिखे, आपका ब्रांड नाम दिखे, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि आपके टारगेट ऑडियंस को ही आप वो चीजें दिखा रहे हैं। तो आप स्कूल जो बुक स्टोर होती है, जहां पर स्कूल की बच्चे बुक्स परचेस करने जाते हैं, आप लगा सकते हैं। हमने तो एक एक्टिविटी और भी की थी कैनोपी पे। हमने क्या किया था कि हमारे यहाँ पर जो बुक स्टोर वाले होते हैं ना, वो कैरी बैग ही नहीं देते, वो एक धागे में उसको बांध कर बुक्स को ऐसा करके दे देते थे। तो हमने उस समय किया था, हमने 2 साल तक इस एक्टिविटी को किया था, हमको फायदा भी मिला था। लेकिन अब तो क्या है, हमारा टीचर ट्रेनिंग पर फोकस ज्यादा रहता है, इसलिए इस एक्टिविटी को हम रेगुलर नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन आप कर सकते हैं। हमने क्या किया, 5 रुपीज में कैरी बैग हमारा बना, राइट, कैरी बैग बनवाया जो 5 रुपीज में बन गया। उसके ऊपर हमारा लोगो, हमारा ब्रांडिंग और हमारे कोर्स के इंपॉर्टेंस, कॉन्टेक्ट नंबर, ये सब प्रिंटेड थे। अब जो भी उस बुक स्टोर से बुक्स लेता ना, और साइड में कैनोपी थी, तो जो भी बुक्स लेता था उनके पास हम उनको वो कैरी बैग फ्री में देते थे 5 रुपीज का। लेकिन उसके पीछे कंडीशन क्या थी, आप अपने कॉन्टेक्ट नंबर नेम देंगे। वो हमारे कैनोपी पे जो लड़का रहता था, वो यही कहता था कि मैं किनको कैरी बैग दे रहा हूँ, ये डाटा जाकर मुझको देना होता है सेंटर में, ठीक है, ताकि मैं प्रूफ कर पाऊँ कि मैंने इनको डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो आप अपने कॉन्टेक्ट नेम या आप अपना नेम, कुछ डेटा आप हमें दीजिए। तो इससे क्या होगा, एक तो वो बैग लेके जा रहे हैं जहां आपकी ब्रांडिंग हो रही है, और वो बैग को मल्टीपर्पज यूज करेंगे। कुछ दिनों के बाद फैमिली में कोई सब्जी भी लेने जाएगा, कोई मार्केट में भी लेके जाएगा, कोई और भी यूज करेगा। अच्छा वाला कैरी बैग दिया आपने, तो 5 to 10 रुपीज का भी दे सकते हैं। तो उस समय 5 रुपीज में हम लोगों ने 1000 बैग प्रिंट कराए थे 5 रुपीज के आधार पे, तो हमारा 5000 रुपीज का खर्चा आया था। लेकिन हमारे पास 1000 लीड जनरेट हुई थी उस बैग की वजह से, और 1000 घरों में हमने हमारा कैरी बैग पहुंचा दिया। वो 1000 हमारे टारगेटेड ही बच्चे थे जो हमारे पास आ सकते थे। हमने देखा किस एज का बच्चा है, वो 10th का, 12th का बच्चा, उसको कैरी बैग नहीं दिया, क्योंकि वो हमारे लिए टारगेट ऑडियंस है नहीं, राइट। फिर उनका नाम पता भी हमारे पास आया। तो इससे ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं लीड्स को लाने के लिए। मैंने कहा था ये सारे के सारे मेथड्स होते हैं लीड्स को लाने के लिए, ठीक है। अब लीड्स के बाद उनको नर्चर भी तो करना होगा हमें, व्हाट्सएप के थ्रू, फेसबुक के थ्रू, हमारे वीडियोस को, फोटोज को शेयर करके। लेकिन एटलीस्ट हमारे पास डेटा तो हो, हम किनको, किनसे बात करें, किनको फ्री क्लास के लिए बुलाएं, किनको डेमो दे, किनको वीडियो शेयर करें, ये सब जानकारी के लिए हमारे पास लीड्स होना बहुत जरूरी है, ताकि उनको रेगुलर नर्चर कर पाए, राइट। नेक्स्ट है स्टूडेंट डेमो। तो ये तो हमने देखा ही है, हर प्रोग्राम में हम लोग स्टूडेंट का डेमोन्स्ट्रेशन करते थे, स्कूल्स में, वर्कशॉप में, क्विज कॉन्टेस्ट, ये भी हम लोग स्कूल स्कूल्स में जाकर एक कॉन्टेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते थे और करते थे, जिसमें एक स्कूल के ही पर्टिकुलर बच्चे होते थे, वह विनर्स को सपोर्ट, विनर्स को हम लोग कोई अवार्ड दे दिया। इस प्रकार की एक्टिविटीज करते थे ताकि हमारा प्रोडक्ट की ब्रांडिंग हो। और फिर हम लोग बोलते थे कि जो भी विनर होंगे वो 10 विनर्स को हमारे कोर्स में 50% का डिस्काउंट होगा या 80% का डिस्काउंट होगा। तो जो टॉपर बच्चे, अगर किसी स्कूल के 10 बच्चे भी आपके पास आते हैं ना, तो डेफिनेट 20 और बच्चे की आने की पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती है, राइट। तो आपने चाहे 10 स्टूडेंट पे इनकम नहीं किया है, लेकिन उसके बाद जो 20 स्टूडेंट आने वाले थे ना, उनसे आपकी इनकम हो गया। इसके अलावा रिकॉग्नाइजेशन एंड अवार्ड, आप आपके सेंटर के नियर जो स्कूल है, वहां चाहे 15 अगस्त हो, 26 जनवरी हो, एनुअल फंक्शन हो, कोई भी ऐसा इवेंट होता हो ना उस स्कूल के अंदर, तो वहां पर कल्चरल प्रोग्राम होते ही हैं, तो वहां पर आप अपना नाम और लोगों के साथ आप उनको अवार्ड दे सकते हैं। आप स्कूल को बोल सकते हैं कि आपके टॉप परफॉर्मर को भी हम लोग कुछ अवार्ड देना चाहते हैं। स्कूल को भी अच्छा लगता है कि चलो कोई बाहरी पर्सन भी उनको अवार्ड दे रहे हैं, उनके स्टूडेंट को अप्रिसिएट कर रहे हैं। तो वहां माइक पर आपका नाम भी आता है कि अबेकस ज्ञान से ललित जी के द्वारा इन बच्चों को ये गिफ्ट दी जा रही है, राइट। तो सब पेरेंट्स पर आपकी तरफ देखते हैं, वो लोगों की तरफ देखते हैं, तो आपका नाम, आपका ब्रांड लोगों कभी भूलते ही नहीं है। इसलिए आपको अपनी मार्केटिंग और ब्रांड की मार्केटिंग दोनों साथ साथ करते ही रहना है। और रेगुलर, आपने इतनी सारी एक्टिविटीज की है, इतना सारा डेटा आ गया है, तो उन्हें रेगुलर ऐसा नहीं वन टाइम, रेगुलर कॉल करना है 7 से 8 दिन में फ्री क्लास के लिए, SMS करना है, उन्हें व्हाट्सएप करना है। और अब तो
व्हाट्सएप ऑटोमेशन के सॉफ्टवेयर भी आ गए हैं, आप जानते हैं। उसमें आप व्हाट्सएप के अंदर अपनी सारी की सारी लीड्स को डाल दीजिए और वहां पर आप 30 डेज का प्लान बना दीजिए कि जिस दिन लीड को एंट्री किए पहले दिन ये मैसेज जाए, 3 दिन के बाद ये मैसेज जाए, 5 दिन के बाद ये मैसेज जाए। तो व्हाट्सएप ऑटोमेशन से अगर आप मैनुअली उनको टच नहीं भी कर रहे हैं ना, तो 1 महीने तक आपका सॉरी तो व्हाट्सएप आपको फॉलो करेगा आपके लीड्स को, राइट, और वो कन्वर्ट होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। सेकंड, आपको अपना फेसबुक पेज बनाना है। बहुत मोस्ट ऑफ लोग जानते हैं फेसबुक पेज, जो नहीं जानते मैं उनको बता देता हूं कि आप जो फेसबुक चला रहे हैं वो आपके फेसबुक प्रोफाइल है, पेज नहीं है। लेकिन आप अपने सेंटर का नाम, अपने इंस्टीट्यूट के नाम पर आप अपना एक फेसबुक पेज बना सकते हैं। अगर आप इंस्टीट्यूट का नाम नहीं रखना चाहे तो आप अपने नाम पर एक पेज बना सकते हैं, और जितने भी लोग प्रोफाइल में हैं उनको सबको उस पेज को फॉलो करवा दीजिए आप, राइट। क्योंकि जब भी आप एड रन करेंगे फेसबुक के ऊपर, जब भी आप अपने एड्स रन करेंगे तो आपको एक पेज की रिक्वायरमेंट होगी, राइट। हो सकता है कि फेसबुक एड आप 1 महीने या 2 महीने के बाद रन करने वाले हों, लेकिन उस पेज के ऊपर रन करें उससे पहले आपको काफी सारी पोस्ट डाल के रखनी है। क्योंकि कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं, आज नया पेज बनाया और आज ही वो अपने वो फेसबुक सेटअप कर देते हैं एड का। अब लोग जब उस पेज पर जाते हैं तो कोई कंटेंट ही नहीं मिलता उन्हें, आपके एड पे नहीं गए, वो आपके पेज पर गए और ज्यादा जानकारी के लिए, तो आपको कंटेंट ही नहीं मिलेगा। इससे अच्छा है कि जब उस फेसबुक पेज के थ्रू जब एड रन करें उससे पहले फेसबुक के ऊपर 10 से 20 या 30 पोस्ट होनी चाहिए, कुछ वीडियोज होने चाहिए, राइट, कुछ डेमो वीडियोज होने चाहिए। अगर आपके पास डेमो वीडियोज नहीं है स्टूडेंट के, तो मैंने काफी सारे वीडियो दिए हुए हैं आप लोगों को, नहीं है तो बता दीजिएगा और दे देंगे। क्योंकि अभी आपके पास तो स्टूडेंट है नहीं, तो हमारे डेमो वीडियो डाल दीजिए आपके पेज पर। उससे बेनिफिट क्या होगा, जब एड रन करेंगे और लोग आपके पेज पर जाएंगे, डेमो वीडियोज देखेंगे, आपका कॉन्टेक्ट नाम नेम देखेंगे, तो आपसे कॉन्टेक्ट करेंगे, एक लॉयल्टी क्रिएट होती है, राइट। और जब एक लॉयल्टी क्रिएट हो जाती है ना, तो लोग लॉजिक नहीं लगाते, ठीक है। तो इसलिए कहा जाता है लॉयल्टी बियॉन्ड द लॉजिक। जब आप लॉयल्टी क्रिएट कर देते हैं तो लोग लॉजिक नहीं लगाते। नेक्स्ट है, आपको फेसबुक सोशल ग्रुप्स को ज्वाइन करना है। आपकी सिटी के जितने भी स्कूल्स हैं ना, सबके ग्रुप बने हुए हैं, फेसबुक ग्रुप बने हुए हैं, उनको ज्वाइन करें आप। अगर आप उनको प्राइवेट ग्रुप्स हैं ज्वाइन नहीं कर पाए, तो आप उनसे रिलेटेड जो भी वो कंटेंट को शेयर करें, उनकी पेज पर कर शेयर करें, उनको लाइक करें, उन पे कमेंट करें, राइट। इससे क्या होगा कि आपकी रीच इंक्रीज होती है, और ये एक विदाउट पेमेंट का तरीका है ऐड करने का। अगर आपने अपनी सिटी के जितने भी ग्रुप्स हैं, जैसे लाइंस ग्रुप, ठीक है, लाइंस क्लब जो ग्रुप्स होते हैं हर सिटी में होते हैं, और बहुत सिटी में तो 10 10 15 15 ग्रुप्स हैं, और लाइंस क्लब के अंदर सारे लोग वो हैं जो धनाढ्य लोग हैं, जो अपना डोनेशन देते हैं, आप उनके पेजेस को लाइक करें, राइट। जब आप उनके पेजेस को उनके ग्रुप्स में आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, तो आपके पेज की रीच बढ़ती है, आपकी रीच बढ़ती है। जब आप कोई पोस्ट शेयर करते हैं तो उन सब लोगों को दिखता है। तो जरूरी नहीं है कि खाली स्कूल्स ग्रुप को ही, स्कूल्स को ही आप जो ग्रुप को ज्वाइन करें, लाइक करें, नहीं, जो भी सामाजिक संगठन है सबको करें आप। आपकी सिटी का कोई पोर्टल है, कोई न्यूज पोर्टल है सोशल मीडिया पे, तो आप उसे भी पोस्ट करें, इंस्टाग्राम पे भी करें। इससे आपकी रीच इंक्रीज हो जाती है, आपको लीड लाने में हेल्प मिलती है। इसके अलावा पेड तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है, आप जितना पैसा डालेंगे फेसबुक पर, फेसबुक उतनी ही पोस्ट आपके सिटी में, आपके स्टेट में या नेशनल लेवल पर दिखा देता है, और इतने लोगों को आप ला सकते हैं। लेकिन पहले मैं चाहता हूं कि आप फेसबुक एड रन करने से पहले आप विदाउट पेमेंट के कुछ ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, थोड़ा टाइम स्पेंड करें, राइट, ताकि आपको आइडिया लगेगा कि फेसबुक एक्चुअल में एड बनाए कैसे।
उसके लिए मैं एक अलग ही आपका सेशन लूंगा, क्योंकि ये तो बहुत सेशन बहुत लंबा हो जाएगा, स्पेशली फेसबुक के लिए लूंगा मैं आपका, कि फेसबुक के ऊपर जब भी कोई पोस्ट बनाएंगे आप तो उसमें बहुत साइकोलॉजिकल चीजें रखनी होती है। सबसे ऊपर जो मेन टाइटल होता है ना, वो लोगों की नीड को आइडेंटिफाई करना, हमारे कोर्स को नहीं। हमें हमें ये बताना है कि आपके बच्चे को कौन सा एंड गोल है, हम लोग अचीव कराने वाले हैं, बच्चे को क्या मिलने वाला है, और उसको दिलाने के लिए कौन सा टूल, कौन सा प्रोग्राम है जो हम ऑफर कर रहे हैं। इस प्रकार की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। इसके अलावा कुछ चीजें हैं जो आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, कार पार्किंग पैम्पलेट्स है, राइट, नॉलेज कैंप है। नॉलेज कैंप क्या होता है कि हमने ये बहुत एक्टिव, ये नॉलेज कैंप ये क्या है, कोई यूनिवर्सल नाम नहीं है, ये टेक्निक्स के नाम हम लोगों ने इजाद किए थे और हमने ही इसके नाम रखे थे। अब नॉलेज कैंप क्या होता था कि हम लोग गवर्नमेंट जो यूनिवर्सिटी होती थी उनके प्रोफेसर से जाके कॉन्टेक्ट करते थे कि हम सिटी के अंदर एक करियर काउंसलिंग के नाम पर एक सेमिनार वर्कशॉप ऑर्गेनाइज करने वाले हैं, या लोग टेंथ के बाद कौन सा सब्जेक्ट चूज करे इसके ऊपर एक वर्कशॉप रख दिया कि अगर आप टेंथ करने वाले हैं और आप क्या सब्जेक्ट लेंगे इसके ऊपर एक स्पेशल वर्कशॉप हो रहा है स्पेशलिस्टों के द्वारा। उसमें कॉलेज के प्रोफेसर्स को हम लोग लेके आते थे जो फ्री ऑफ कॉस्ट में होता था, और एक प्राइवेट कॉलेज के अंदर हमको एक हॉल दे दिया जहां पर ये इवेंट हम लोग कराते थे, उसका थोड़ा सा ऐड किया, तो हमें फ्री में ही तो काउंसलर मिल गए, ठीक है, फ्री, और काफी सारे लोग वहां पर आने लगे। और जब लोग आते हैं तो बाहर हमारी कैनोपीज के थ्रू हम हमारा भी प्रमोशन करते हैं, इसे हम नॉलेज कैंप कहते थे। यानी पब्लिक को कहीं से भी लेके आना और अपने प्रोडक्ट को दिखा देना, यही मार्केटिंग है, सिंपल बात, ठीक है। आपका ब्रांड नाम बार बार लोगों के सामने जाता है ना तो वो रट जाता है। हमारे एरिया में अबेकस मतलब अबेकस ज्ञान, इतना मैंने 10 ईयर के अंदर पॉपुलर कर दिया कि बिना एड के मेरे पास यहाँ बैचेस बनते हैं। लोग पूछते हैं सर आपका नया बैच कब बन रहा है, ये तो जब है जब हमारा पूरा ध्यान केवल टीचर ट्रेनिंग पर रहता है। लेकिन ये रिजल्ट ऐसे ही नहीं आया सर, लोग एफर्ट्स ही नहीं दिखाते। सबसे बड़ी प्रॉब्लम लोग एफर्ट्स ही नहीं दिखाते। मैंने आपको उस दिन भी कहा था कि लोग, मेरा एक मित्र है वो दुकान पे चाहे कस्टमर पहले आए या ना आए वो जाकर बैठ जाता था। अब वो पूरा डिपेंड कस्टमर के ऊपर है, कस्टमर आएगा तो ही माल बिकेगा। वो कस्टमर को अपनी शॉप पर लाने के लिए कोई एफर्ट्स ही नहीं करता है। अगर उससे जाके पूछे हम लोग कि आपकी दुकान पर ही क्यों कस्टमर है, आपने ऐसा क्या किया है, उनके पास कोई जवाब नहीं। इसका मतलब है कि हमें स्टूडेंट लाना है तो एफर्ट्स लगाना ही पड़ेगा, राइट। इसकी वजह से इतनी सारी टेक्निक्स जो हमने यूज की है, राइट। तो अब आगे है कॉन्टेक्ट विथ ट्यूशन टीचर्स। आपकी सिटी में बहुत सारे ट्यूशन क्लासेज होते हैं, टीचर्स होते हैं, आप उनके साथ बात कर सकते हैं, उनका कुछ कमीशन दे सकते हैं, कुछ उनको ऑफर दे सकते हैं। मान लो एक ट्यूशन क्लास का टीचर है, हम ऐसा करते थे, हम बोलते थे कि आपके यहाँ तो बहुत बच्चे ट्यूशन पढ़ने आते हैं, आपका कोई बच्चा है उसको हम लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एडमिशन करा देंगे अगर 10 स्टूडेंट आपकी कोचिंग से मिल जाए तो, ठीक है। अब ट्यूशन क्लासेस वाले क्या होते थे कि भाई एक काम करो आप आकर उनको समझा दो, ठीक है, और मैं अप्रोच लगा दूंगा। तो ऐसे ही हम लोग ट्यूशन क्लासेस में जाकर हमारे कोर्सेज के बारे में बताते, फ्री डेमो क्लास के बारे में बताते, उनको कैसे भी करके हमारे सेंटर पे 1-2 दिन के लिए लेके आते ही आते थे ताकि वो 1-2 दिन हमारे साथ टाइम स्पेंड करे, और फिर वो 2 या 3 दिन जो डेमो क्लास में आएगा तो हमें इतना एफर्ट देना है, इतना उनके साथ लगाव रखना है ताकि वो हमें छोड़ के जाए नहीं और परफेक्ट एडमिशन हो जाए। इसके साथ साथ अगर आपकी सिटी में कोई एजुकेशनल फेयर लगता है तो वहां भी करें, समर कैंप लगाएं, आप स्कूलों के साथ मिलकर समर कैंप लगा सकते हैं। स्कूल के साथ अगर एसोसिएट नहीं होता तो आप अपनी ओपन के समर कैंप लगा सकते हैं आप, राइट, कि इस समर कैंप के अंदर आप वैदिक मैथ्स की ये टेक्निक सिखाने वाले हैं, ये अबेकस का लेवल 1 कंप्लीट कराने वाले हैं, आप क्या कराने वाले हैं, इसके लिए एक समर कैंप रख सकते हैं, उसका एक मिनिमम चार्ज रख सकते हैं, राइट। और एक होता है स्टूडेंट रेफरेंस, इनका डिस्कस करेंगे हम लोग सेकंड लेवल में। स्टूडेंट रेफरेंस क्या होता है कि एक बार आपके पास 10 स्टूडेंट का बैच बन गया है ना तो वो 10 स्टूडेंट से नेक्स्ट 10 बच्चे कैसे लेके आए, स्टूडेंट रेफरेंस। इसमें क्या होता है हम लोग कुछ पॉइंट का यूज करते हैं, हम लोगों ने क्या किया छोटे छोटे स्टिकर बनवाए हुए टिकट साइज में, उसमें पॉइंट होता है 1, 2, 3 और एक होता है 50 पॉइंट्स।
और हम लोग क्या करते थे, जब भी कोई डेमो क्लास रखते थे ना, फ्री डेमो क्लास, तो हम लोग हमारे एग्जिस्टिंग बैचेस के अंदर अनाउंस करते थे कि जिस जिसका भी फ्रेंड हमारे इस फ्री डेमो क्लास में आएगा ना 3 डेज की में, उसको फ्री कूपन मिलने वाला है 50 पॉइंट का। अब स्टूडेंट अपनी क्लास में जाकर फ्रेंड्स को बोलते थे कि सर के यहाँ पर एक फ्री क्लास लग रही है, एडमिशन मत लेना, आप तो 2 या 3 डेज के लिए वैसे पढ़ने के लिए आ जाओ, मुझे को 50 पॉइंट मिल जाएगा। ऐसा वो बना बना के लेके आते थे, हमें पता भी था ये पॉइंट के लिए बच्चे लेके आ रहे, लेकिन वो 3 दिन कैसे भी लेके आए, एक बार वो आ गया ना तो डेफिनेट वो बच्चा कन्वर्ट होने की संभावना बढ़ जाती है। और वो जो पॉइंट सिस्टम्स होते हैं ना, हम उसके ऊपर गिफ्ट देते थे, किसी के पास अगर 50 पॉइंट है तो ये गिफ्ट होगा, 200 है तो ये है, उनके स्टिकर्स बनवा के हम लोगों ने क्लास रूम के अंदर उसको पेस्ट कर दिया था, राइट। जो रेगुलर होमवर्क करेगा उसको 1 पॉइंट है, जो इतना वर्क करेगा उसको 2 पॉइंट है, उसकी नोटबुक में हम लोग पेस्ट कर देते थे स्टिकर टाइप में। तो वो कलेक्ट करते हैं वो पॉइंटों को लेवल वाइज, कि अब मेरा 2-3 लेवल में इतने पॉइंट हो गए, 4 लेवल में इतने पॉइंट्स हो गए, तो पॉइंट के बेस पर उनको गिफ्ट देते थे, इससे बच्चों के ड्रॉप आउट होने के चांसेस भी घटते हैं। और नेक्स्ट है ऑनलाइन वर्कशॉप, आप चाहे वैदिक में तबिका से किसी भी प्रोग्राम्स का जिसका आपने ट्रेनिंग लिया है उसका 2 डेज 3 डेज 4 डेज का फ्री वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि अभिका सो वैदिक मैथ के तो बहुत वेबिनार्स कर लिए, ऑनलाइन वर्कशॉप कर लिया है, तो आप कोडिंग का कर लीजिए, आजकल बच्चे कोडिंग सीखते हैं, आप हमारा कोडिंग का प्रोग्राम ले लीजिए, कोडिंग सीख लीजिए आप, और 3 डेज 4 डेज 299 499 199 वो एक मिनिमम चार्ज में ऑनलाइन बच्चों को कोडिंग करना भी आप सिखा सकते हैं। यानी वो सारे मेथड्स हैं जो से बच्चों को आप कनेक्ट कर पाते हैं। तो आप देख सकते हैं लगभग मैंने 20 के समथिंग इस तरह सारी सारी एक्टिविटीज आपको इंट्रोड्यूस किए जिससे लीड ला सके और आप उन्हें बच्चों को मोटिवेट कर सके, राइट। तो आप रेगुलर इंक्वायरीज को फॉलो करना है, आपको एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जिसमें ऑटोमेटिक लोगों के पास मैसेज जाए। आपके पास जितने भी लोग व्हाट्सएप ग्रुप पे आए ना, उनको आप अपने फेसबुक पेज को लाइक भी कराएं, कि आप जाइए फेसबुक पेज का लिंक शेयर कीजिए, वो लाइक करेंगे। इसके बाद क्या होगा कि आप जब भी पोस्ट डालेंगे ना तो वो सबको उनको दिखने वाली है, तो आप व्हाट्सएप पर भी उनको नर्चर कर रहे हैं, फेसबुक पोस्ट भी उनको दिख रही है, तो एक ना एक दिन वो बच्चे आपके पास कोर्स में आएंगे ही आएंगे, ठीक है। और फिर आप लोगों को ये सारी चीजें डिसाइड करनी है, राइट। ये हमारा टॉपिक है जो आज हमने कंप्लीट किया है, और अब आपके कुछ भी डाउट्स हो तो वो हम लोग ले सकते हैं। ये पॉइंट पॉइंट देने के बारे में जो बोला है, प्लीज रिपीट इट अगेन। जी सर, पॉइंट पॉइंट जो पॉइंट देने के बात करते हैं। यस सर, यस सर, प्लीज रिपीट इट अगेन। अच्छा ओके, रिपीट करना है क्या पॉइंट्स को? ओके थैंक यू सर, मैं रिपीट कर देता हूँ एक बार। सर पॉइंट्स क्या होते हैं कि हम लोगों ने टिकट साइज में स्टिकर बनवाए हुए हैं जिसपे लिखा होता है 0.1, 2, 5, 10, 50 पॉइंट्स होते हैं, राइट। और ये आप चाहें अगर हमसे भी चाहते हैं तो आप सैंपल के तौर पे मंगा लेना, एक दो बता देंगे कैसे होते हैं, स्टिकर्स होते हैं। अब हम लोग स्टूडेंट्स को क्या बोलते हैं, अगर आप रेगुलर बुक में होमवर्क करके लेके आएंगे ना तो आपको 1 पॉइंट मिलेगा, वो स्टिकर हम देते थे वो अपनी बुक में पेस्ट कर देंगे वो। अगर किसी बच्चे ने 5 मिनट में 2 पेज किए हैं तो उसको ये मिलेगा। फिर हम लोग कुछ गेम एक्टिविटीज भी कराते हैं क्लासेस के अंदर, जैसे 20 स्टूडेंट का एक बैच है तो 10 10 स्टूडेंट के 2 बैच बना दिए और दोनों में हमने कॉम्पिटिशन कराया कि कौन मैक्सिमम क्वेश्चन करता है, उस ग्रुप को हम लोग 5 5 पॉइंट देते थे। तो पॉइंट इन द सेंस एक स्टिकर होता था जो उनको मिलेगा और वो कलेक्ट करते सारे पॉइंट्स को। उसके बाद आप अपने सेंटर में कुछ पोस्टर्स लगा दीजिए, अगर किसी स्टूडेंट के पास 50 पॉइंट्स हैं तो उसको ये गिफ्ट मिलेगा, 100 पॉइंट्स है तो ये गिफ्ट मिलेगा, 200 पर ये और 500 पर ये मिलेगा। इससे क्या होता है कि बच्चे उन पॉइंट्स के चक्कर में एक तो ज्यादा ज्यादा प्रैक्टिस करते हैं, उनको लगता है कि हमें गिफ्ट मिलने वाली है। सेकेंड, जब भी आप फ्री डेमो क्लास रखेंगे तब आप बोल सकते हैं कि अगर किसी बच्चे का कोई भी फ्रेंड अगर हमारी फ्री डेमो क्लास में आया ना तो 50 पॉइंट मिलने वाला है। लेकिन 50 पॉइंट देने से पहले
हमको एक एक पॉइंट के लिए पहले बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाना है, ठीक है। बच्चे इस प्रकार काम करने चाहिए, आपको पता है काफी सारे सेंटर्स के बच्चे ड्रॉप आउट होते हैं, मेरे सेंटर के बच्चे बहुत कम ड्रॉप आउट होते हैं। क्यों होते हैं? कम से कम क्योंकि मैंने एक सिस्टम बनाया हुआ है, जो बच्चा रेगुलर पूरा हर क्लास में आएगा तो हर क्लास में उसे 5 पॉइंट देंगे। अब क्या होता है, बाय चांस किसी फैमिली में कोई वर्क आ गया और बच्चा हमारे सेंटर पर नहीं आ पा रहा है, तो इवन वो बच्चा रोने लगता है, मम्मी पापा से हमको कॉल कराता है कि ये बहुत रो रहा है, ये बोल रहा है आज मैं अगर नहीं गया सेंटर पे तो मेरा 5 पॉइंट रह जाएगा, मेरे सारे फ्रेंड्स मेरे से आगे निकल जाएंगे, उनका पॉइंट कंप्लीट हो जाएगा। तो पहले एक एक पॉइंट 5 पॉइंट के लिए बच्चों को स्ट्रगल करना सिखाएं, क्योंकि बच्चों को छोटे बच्चे हैं 8 साल के 9 साल के, उनको पढ़ाई का इंपॉर्टेंस नहीं पता, उनको लगता है कि ट्यूशन जाते हैं स्कूल जाते हैं, उनके पापा ने एक एक्स्ट्रा बर्डन और डाल दिया, संडे को छुट्टी रहता है मेरा तो संडे को भी ये काम डाल दिया। तो बच्चों को मजा आना चाहिए, बच्चों को लगना चाहिए कि नहीं पढ़ाई के साथ हमें कुछ और भी मिल रहा है। तो इसलिए ये पॉइंट सिस्टम बच्चों को रेगुलर रखने, उनकी स्पीड को मेंटेन करने और नए एडमिशन लाने में हेल्प करता है सर। जी सर, और आपके कोई और डाउट्स क्वेश्चन है तो बताइए, फेसबुक के ऊपर तो मैं एक अलग ही सेशन लूंगा सर। वो जी सर, यस सर, मेरा यस एक डाउट है। यस सर, सर, मैंने वैदिक मैथ्स के प्रैक्टिस कर ली है, तो ओके, मैं, हाँ सर, तो मैं अभी चाहता हूँ कि मैं एक दो स्कूल में जाके बात करूँ। ओके, तो सर, इसके लिए मेरे को दो बातें जाननी है। एक तो मैं स्कूल में कितना कितना टाइम मेरे को वहाँ पे देना चाहिए बच्चों को, और अगर जी मैं पूरा करने के बाद उनको सर्टिफिकेट कैसे मैं उनको दे सकूँ। ओके सर। देखो, पहले तो क्या होगा कि हमें माइंड सेट करना है कि एक स्टूडेंट से कितनी हमें फीस लेनी है और उनको स्टडी मटेरियल क्या क्या देना है, पहली चीज़ है। तो ओके सर, एक्चुअली होता क्या है, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट क्या है कि जो स्कूलों की मेंटलिटी में बता देता हूँ आपको, स्कूल ऑनर क्या चाहते हैं, सबसे पहली बात तो वो चाहते हैं कि स्कूल के सारे बच्चों की स्किल्स इंप्रूव हो जाएं और हर बच्चा मैथ में अच्छा परफॉर्म करे, हर स्कूल की नीड है, वो चाहता है उसके बच्चे इंटेलिजेंट बने, हर स्कूल चाहता है। लेकिन सेकंड नीड क्या है स्कूल की, वो पैसा खर्च नहीं करना चाहता, वो स्कूल ये नहीं चाहता कि मेरी जेब से कोई पेमेंट कोई लेके जाए, राइट। और हाँ तीसरी सर, एक स्कूल की नीड, तीसरी स्कूल की नीड क्या होती है, वो टीचर को सैलरी भी पे नहीं करना चाहता, राइट। के सारे अगर छोटे टाउन में है तो वहीं क्या प्रॉब्लम आती है कि हमारे तो स्टूडेंट की फीस रेगुलर नहीं आती, हम रेगुलर टीचर को पे नहीं कर पाते। नेक्स्ट नीड क्या अच्छा होती है स्कूल की, कि वो अपने बच्चों का डेटा बाहर लीकेज नहीं होने देते। तो अब उसके लिए हम, मैंने क्या मॉडल बनाया, वो आपने एक हमारा कोर्स देखा कि स्कूल प्रोजेक्ट के नाम से 4 वीडियो हैं, नहीं सर, सॉरी, देखा नहीं। देखिएगा सर, देखिएगा स्कूल प्रोजेक्ट कैसे ले, उसके ऊपर मैंने एक 4 वीडियोस का एक पूरा एक कोर्स बनाया है मैंने, ठीक है ना। ठीक है सर, और मैं 1 मिनट आपको स्क्रीन पर देखता हूँ, मैं अभी बताता हूँ मैं आपको कौन सा हिस्सा है। हाँ सर, ये मैंने देखा है, वैसे है आपके। है ना सर, ओके ओके चलो हाँ हाँ ठीक सर, है, राइट। तो उसमें क्या है, बिल्कुल। मैंने ये बताया है आपको कि आप जब वैदिक मैथ की बात करेंगे तो आप उनको ऐसा बोलेंगे कि वैदिक मैथ हम लोग वीकली क्लासेस लेने वाले हैं, राइट, वीकली क्लास ठीक है लेने सर, वाले हैं, और हमारे 4 लेवल हैं। 4 लेवल अब आपके ऊपर डिपेंड करेगा कि उनको एक लेवल को 3 मंथ में कंप्लीट कराना है या आपको 1.5 महीने में कंप्लीट कराना है, ठीक है। ये ठीक है आपके सर, ऊपर डिपेंड करेगा 45 डेज में या 90 डेज में आपको कंप्लीट कराना है। अगर बच्चे 7th क्लास है, वो सेवन नहीं, इन द 7 ईयर से हैं, तो 7 ईयर से लेकर और 9 ईयर तक के बच्चों को तो आप पर लेवल 3 मंथ में ही कराना है, 90 डेज में कराना है। अगर बच्चे 8th क्लास से ऊपर के हैं तो उन्हें 45 डेज में एक लेवल कंप्लीट करा सकते हैं। और एक आप मिनिमम चार्ज रखिएगा कि जैसे आपने रखा कि मुझे पर लेवल पे मुझे 500 रुपीज लेना है, राइट, ठीक 500 रुपीज लेना है, और मुझे 4 लेवल कंप्लीट कराने हैं, और 4 लेवल हमारे 1 ईयर में कंप्लीट होता है, तो एक बच्चे आपको 2000 रुपीज देगा 1 ईयर के अंदर, राइट। अब वो 2000 रुपीज के अंदर आपका इन्वेस्टमेंट कितना होने वाला है,
आपका 350 रुपए का तो बुक्स में इन्वेस्टमेंट होने वाला है, वैदिक मैथ की 4 बुक कुरियर मिलाकर आपको 350 रुपए का इन्वेस्टमेंट है। अब आपके पास 2000 रुपए में से ठीक है लगभग 1650 रुपए आपके पास मिलता है, राइट। अब यहाँ पर आपको अगर 100 स्टूडेंट मिल जाते हैं तो लगभग 1,60,000 रुपए के पास आपके पास रेवेन्यू जनरेट होता है। तो अगर आप खुद टीच करते हैं तो ये पेमेंट आपके पास होगा। अगर 100 की जगह 50 स्टूडेंट आते हैं तो लगभग 80-85 हज़ार आपके पास आएगा। लेकिन सबसे अच्छा बेनिफिट ये है कि इसमें रेगुलर आपको टाइम देना नहीं है, वीकली क्लासेज होगा। और 50% बच्चों का मतलब हुआ कि अगर आप 45-45 मिनट्स का भी अगर बैचेज बनाते हैं ना तो 90 मिनट ही आपको वीक में देना है, राइट। मेरे यहाँ पर अभी करीब 48 स्कूल्स में ये प्रोजेक्ट चल रहा है अभी कसका वैदिक मैथ्स का। तो मैं तो अपने यहाँ पर टीचर्स को अपॉइंट करता हूँ और उसका 35% कलेक्शन का मैं टीचर को देता हूँ परसेंटेज के बेस पर। तो ये सिस्टम भी आप यूज कर सकते हैं आप। जी सर। सर मतलब एक ये डाउट है, अगर मैं वीकली बच्चों को क्लास दूं तो मतलब बच्चों का थोड़ा जो रिजल्ट है उस पे डाउट नहीं जाएगा क्योंकि बच्चों को मैंने कुछ सिखाया है। बिल्कुल बिल्कुल। आपको एक काम ये करना पड़ेगा कि बच्चों को हम लोग बुक्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं ना, बुक्स में आपको डेली का 6 पेज का होमवर्क देना है। आपने जो टॉपिक बताया ना डेली का, मंडे ट्यूजडे फ्राइडे, आपको 6 डेज का होमवर्क देना है कि पर डे आपको 1 पेज करना है। और आपने हमारी वैदिक मैथ की बुक में देखा ही है अबाउट 45 से 50 क्वेश्चंस है। अगर बच्चा 50 क्वेश्चन पर डे कर रहा है ना, जो टीच करके गया मंडे को किया ट्यूजडे को किया, फिर आप यकीन मानो कि वो बच्चा भूना छोड़ो उसकी स्पीड बढ़ जाती है। और सबसे बड़ी बात भूलेगा क्यों, कोई हम चीजें याद थोड़ी करा रहे, उनको तो कैलकुलेशन करना सिखा रहे हैं ना। हाँ, तो उनको कंपलसरी रखिए आप कि आपको सारा होमवर्क कंप्लीट करना है, होमवर्क इन द सेंस प्रैक्टिस करना है। हाँ सर, ठीक है सर। और लास्ट ये सर, उनको मतलब पूरा होने के बाद कोई सर्टिफिकेट वगैरह कैसे हम देते हैं? यस सर। सर उसमें क्या होगा, आपको सर्टिफिकेट नहीं सर, दो चीजें करनी होंगी। एक तो कंपटीशन को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा वैदिक मैथ का, या अगर अभिकस चला रहे हो तो अभिकस का। एक तो कंपटीशन ऑर्गेनाइजेशन करना है और एक कोर्स कंप्लीट का सर्टिफिकेट देना है, राइट। तो कोर्स का सर्टिफिकेट तो आपको सभी स्टूडेंट्स को देना है, राइट, सभी स्टूडेंट को देना है। और एक कंपटीशन करना है आपको कि आपने जो सीखा है ना उसी का ही एक 10 मिनट का एक पेपर होगा, पेपर में अवेलेबल करा दूंगा आपको, राइट। तो वो 10 मिनट का एक पेपर होगा, जो बच्चे भी 10 मिनट के अंदर इतने क्वेश्चन से ज्यादा क्रॉस कर देंगे, 90% 80% से ज्यादा क्रॉस कर देंगे, उनको चैंपियन का सर्टिफिकेट एंड ट्रॉफी दी जाएगी। उससे क्या होगा कि स्कूल का कोई भी इवेंट हो रहा है ना, ठीक है ना, हर 6 महीने में कोई ना कोई इवेंट होता है, उस इवेंट में उनको अवार्ड भी दे दो, इससे नेक्स्ट बैच के बच्चे भी मोटिवेटेड होंगे। जी सर। सर मेरी क्वेरी है कि मैं ऑलरेडी अभी एज अ ट्यूटर वर्क कर रही हूँ, तो मैं अपने स्टूडेंट्स को कैसे वहाँ पे इंक्लूड कर सकती हूँ एबेकस में, क्योंकि मैंने अभी आपसे एबेकस का कोर्स लिया है। मैम देखो एक बता देता हूँ आपको, जब मैंने 10 ईयर पहले स्टार्ट किया था ना, तो मेरी सिटी में कोई एबेकस वर्ड का मीन्स ही नहीं जानता था है क्या चीज ये, राइट। अब तो क्या हो रहा है, सोशल मीडिया इंटरनेट की वजह से आज मैक्सिमम बच्चे जानते हैं अबेकस है क्या, राइट। मैक्सिमम बच्चे, अगर आप किसी बच्चों को टूल दिखाओगे ना व्हाट इज दिस, यकीन मानो 50-60% बच्चों का हाथ ऊपर हो जाएगा, दिस इज ए अबेकस टूल। तो होगा क्या, आप अपने बच्चों को ये बता सकते हैं कि आप अपनी स्कूल की मैथ को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन आपको पता है कि मैथ को आपको सॉल्व करने के लिए स्टेप बाय स्टेप कैलकुलेशंस करना होता है। लेकिन अगर आपने अबेकस सीख लिया तो आपको स्टेप बाय स्टेप चीजों को फॉलो नहीं करना है, आप केवल फिंगर्स को हिला कर ऊपर के 1 सेकंड में आंसर दे सकते हैं। सेकंड चीज, आप बच्चों से ये पूछ सकते हैं कि आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट जो बच्चा है ना उसको मैक्सिमम टेबल्स कितनी आती है, कोई कहेगा 40 था, कोई कहेगा 50, कोई बहुत ही नामुमकिन कंडीशन मिलेगा, कोई बच्चा कहेगा कि हमारी क्लास में एक बच्चे को 100 तक टेबल चाहिए, राइट।
बहुत कम चांस होगा। लेकिन आप बच्चों को बोलोगे कि आपने अगर अबेकस का कोर्स कंप्लीट किया तो आप 50,000 से ज्यादा टेबल्स लिख सकते हैं, 50 नहीं, 500 नहीं, 5,000 में नहीं, 50,000 तक टेबल्स आप लिख सकते हैं। और आप उनको कुछ वीडियोस दिखाएं तो बच्चे कितने फास्ट कर रहे हैं। जब आप कुछ वीडियो दिखाएंगे ना तो बच्चे आजकल क्या है, घरों में जाकर आपने जो बोला है ना उसको सर्च करते हैं यूट्यूब पर, और जब वो वर्ड को यूज को सर्च करेंगे, उनके डेमो वीडियोस देखेंगे, उनको लगेगा वाकई ये कोर्स यूजफुल है। फिर आप उनके पेरेंट्स से बात करो, आप सिंपल बात, यानी सिंपल कम्युनिकेशन करना है, अपने कोर्स का इम्पोर्टेंस बताना है, डेट इज। और पैसे भी देखो, आपकी कोचिंग है, बच्चों को आप पढ़ा रहे हैं, तो एक आपकी गुडविल तो वैसे ही बनी हुई है, तो शायद इतना फोर्स नहीं भी करना पड़े आपको। यस सर, तो मेरा वही मेन कंसर्न है कि पहले तो पेरेंट्स को काउंसिल करना पड़ेगा लाइक ये कोर्स के लिए, और फिर बुक्स वगैरह कहाँ से अवेलेबल होंगी? ये सब हमसे अवेलेबल हो जाएगी बुक्स, आपको जो अभी किट में जो बुक्स मिला है ना, यस सर, ठीक है, तो वो पर बुक हम लोग 35 रुपीज का देते हैं। आप अपनी कोई कंपनी बनाते हैं, आपका कोई इंस्टीट्यूट है, आप चाहते हैं अबेकस नाम लोगो भी प्रिंट ना हो, कोई प्राइस भी नहीं हो, हम आपके ब्रांडिंग से सारा मेटेरियल स्टडी तैयार करके दे देते हैं। और ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि कभी आपने कोई स्कूल प्रोजेक्ट लिया, राइट, और आपने हमसे बोला कि आप बुक्स के ऊपर सर आप 60 रुपीज प्रिंट कर दीजिए, और आपने 60 रुपीज आपने स्कूल को बोला कि चलो एक फीस अलग ले लिया, स्टडी मेटेरियल का चार्ज ले लिया, तो आप ज्यादा पैसे चार्ज कर सकते हैं स्कूल से। हम हमारा नाम लोगो इसलिए नहीं लगाते, अदरवाइज स्कूल एक बार तो आपसे कॉन्टेक्ट कर लेगा, नेक्स्ट टाइम सीधा वो हमारे पास आ जाता है। यस सर, राइट, तो हम नहीं चाहते कि आपका आपका कस्टमर हमारे पास आए, आपका प्रॉफिट आप ही को मिलता रहे, इसलिए हमारी बुक्स पर हमारा नाम लोगो प्राइस एड्रेस कुछ भी नहीं होता है, ताकि आपके स्टूडेंट्स को, पेरेंट्स को या स्कूल्स को मालूम नहीं पड़े कि आपने बुक्स कहाँ से ले रहे हैं। तो बुक्स आपको हमसे अवेलेबल हो जाएगा, 35 रुपीज में हम लोग बुक देते हैं। ओके, थैंक यू सो मच सर। हेलो सर, नमस्ते सर, नमस्ते सर, हेलो, हाँ नमस्ते सर, नमस्ते, मैं पुजारी बात कर रहा हूँ, आज मेरा अहोभाग्य कि आपसे मेरी बात हो गई। अरे सर, सर, कि गुरु से बात हो गई, कुछ नहीं, मेरे पास ऑलरेडी 5-50 बच्चे पढ़ रहे हैं। ओके, तो अभी इनको तो 10-12 एडमिशन भी हो गया उसके अंदर। ओके, तो कुछ बच्चों की रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी कि हमारे कॉम्पिटिशन तुम कैसे ऑर्गेनाइज करोगे, ऐसे उनके पेरेंट्स का सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल, मैं बता देता हूँ आपको कि पहले हम लोग क्या करते थे कि ऑफलाइन कंपटीशन कराते थे, राइट, और आप अगर हमारे यूट्यूब चैनल पे गए, मैं सभी से एक बात बोलना चाहता हूँ, आपको जब भी टाइम मिले ना, क्योंकि अब आप इस फील्ड में आ गए हैं, तो आप अबेकस ज्ञान का जो मेरा यूट्यूब चैनल है ना उस पर थोड़ा सा टाइम स्पेंड कीजिएगा, आपको बहुत कुछ नॉलेज होने वाला है। तो पहले हम लोग कॉम्पिटिशन कैसे कराते थे उसके मैंने काफी सारे वीडियोज उसके ऊपर अपलोड किए हुए हैं, राइट, लेकिन अब कोरोना के बाद क्या हुआ कि बच्चों को एक अलग सिटी में ट्रेवल कराना बहुत मुश्किल हो गया, और मैं कहता हूं कि जिम्मेदारी लेनी भी नहीं चाहिए, किसी बच्चों को कुछ प्रॉब्लम हो गया तो हमारे लिए बहुत इशू हो जाता है। तो इसलिए क्या काफी सेंटर वाले ऑनर्स थोड़ा डरते हैं कि बच्चों को एक सिटी से दूसरी सिटी ट्रेवल नहीं कराना चाहते, तो उसके लिए क्या है, मैं एक पूरा एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहा हूँ ऑनलाइन कंपटीशन का, ठीक है, पूरा एक ऑनलाइन कंपटीशन का एक प्लेटफॉर्म है जो हम लोग रेडी कर रहे हैं। तो अब फ्यूचर में कंपटीशन बच्चा अपने घर से ही दे पाएगा, और उसका बेनिफिट क्या है, एक तो बच्चों को ट्रैवलिंग नहीं करना, ठीक है ना, ट्रैवलिंग नहीं करना, और उसका ऑल इंडिया में रैंक भी उसका बन जाएगा, और कॉम्पिटिशन कैसे होगा उससे पहले उसका प्रैक्टिस भी हो जाएगा। तो हम लोग अब ऑनलाइन एक प्लेटफॉर्म रेडी कर रहे हैं, मैं एक दिखाई देता हूं, देखो अभी तो पूरा नहीं हुआ है रेडी, स्क्रीन शेयर करके दिखाता हूं मैं आपको। यस सर, आप लोग देख रहे हैं abekasgyan.in, ये कंपटीशन का है पूरा का पूरा, जहाँ स्टेट, नेशनल और इंटरनेशनल तीन प्रकार के हम लोग कंपटीशन ऑर्गेनाइज करने वाले हैं।
ये प्लेटफॉर्म है जो रेडी हो रहा है, ये हमारे पुराने जो कॉम्पिटिशन्स थे उनके फोटोग्राफ्स हैं, राइट। तो एक पूरा एक प्लेटफॉर्म रेडी ही कर रहे हैं हम लोग, जहां पर स्टूडेंट खुद रजिस्ट्रेशन करेगा या आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, बच्चा कंपटीशन देगा, ऑल इंडिया उसको लेवल पर रैंक बनेगी, ये सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं, राइट सर। यस और एक दूसरा डाउट सर इतना है कि जरा हमारे यहाँ का जो बैकग्राउंड है एरिया का, दे आर नॉट इकोनॉमिकली ज्यादा स्ट्रांग है वो, तो पहली स्टार्टिंग की फीस कितनी लेनी चाहिए और स्ट्रेंथ के ऊपर ज्यादा मतलब ध्यान देना चाहिए या क्या कैसी, जरा इसके अंदर हम थोड़ा कंफ्यूज है। आपके आसपास की जो लोकलिटी है वो स्ट्रांग है फाइनेंशियल? नहीं है नहीं है नहीं है। ओके ओके राइट सर। सर देखो एक चीज मैं बता देना चाहता हूँ सभी के लिए कि दो चीजें हमारे इंडियन लोगों की मेंटलिटी में बैठी हुई है। आप सभी मेरी बात से एग्री करेंगे एक बात से कि हर पर्सन को ये लगता है कि पूरे इंडिया में पेरेंट्स खर्च करते हैं, बस मेरे सिटी में मेरे एरिया में लोगों की जेब से पैसा निकलवाना बहुत मुश्किल है, सभी को ऐसा लगता है पहली बात तो। और दूसरी मेंटलिटी क्या है सभी की कि मेरे एरिया में एजुकेशन का बहुत अच्छा माहौल है, अगर मेरे एरिया से 10 किलोमीटर आगे जाओगे ना तो एजुकेशन का इतना अच्छा लेवल नहीं है जितना लेवल मेरे एरिया में लोग पेरेंट्स अवेयर हैं, दो एवरेज हमारे परसेप्शन बना हुआ है। जबकि रियलिटी में बता देना चाहता हूं आपको कि हमारे पास लिमिटेड बच्चे आने वाले होते हैं, तो इसलिए जरूरी नहीं है कि लोकलिटी के आधार पर सब चीजें की जाए, लेकिन हाँ आपको फीस कम से कम इतना तो रखना ही पड़ेगा कि आप सरवाइव कर पाए। अगर आपने बहुत कम फीस रख लिया ना तो प्रॉब्लम क्या होगी कि आप सर्विस नहीं दे पाएंगे। अगर मान लो किसी को कूपन देना है, किसी को गिफ्ट देना है, टेस्ट पेपर की कुछ कॉपी करानी है, आपको लगेगा वहां ऐसा लगेगा यार इस बच्चे से मैंने इतना लिया है, अब इसको इतना मैं स्टडी मटेरियल कैसे दूं। इससे अच्छा है कि फीस अगर आप बहुत ज्यादा नहीं ले सकते तो मीडियम तो आप रखे रखें, ताकि बच्चे भले से 10 कम हो, 100 बच्चों की जगह 80 बच्चे हो, तो आप फोकस उन पे कर पाए, एक बार रिजल्ट डेवलप कर पाए। तो पहली साल तो कम से कम आपको रिजल्ट पे फोकस करना है और अपने सेंटर को डेवलप करना है, इसलिए आप थोड़ा चार्ज कम भी ले सकते हैं लेकिन हमेशा के लिए नहीं। और उसमें भी सिस्टम क्या करना है आपको, अगर मानो पर लेवल पे ओके आपको एक बच्चे से 1500 रुपये लेना है, 1500 अगर पर लेवल का लेना है ना, तो आपको फीस बताना पड़ेगा 2500 या फीस बताना पड़ेगा 3000 रुपीज पर लेवल, लेकिन इस साल के लिए 50% ऑफ है आपके लिए, ताकि नेक्स्ट ईयर वो आपको खत्म करके आप उसको इंक्रीज कर पाए। अगर आपने पहले फीस अगर 1500 बता दिया ना तो वो हमेशा के लिए प्रॉब्लम होगी, नेक्स्ट ईयर भी जब वो बच्चों के रिलेटिव आएंगे ना आपके पास तो इतनी ही फीस देना चाहेंगे। तो आप फीस तो 3000 बोलेंगे, आपको लगेगा ये पेरेंट्स नहीं दे सकते, उनको 10% का डिस्काउंट दो, किसी को 20 दो, यानी डिस्काउंट तो हमारे हाथ में है ना, आपको लग रहा है फीस की वजह से कोई जा रहा है ना तो उसको 50% डिस्काउंट दे दो, लेकिन सभी के लिए कॉमन पॉलिसी मत रखिएगा। और उनको ये भी बोलिएगा कि आप डिस्क्लोज नहीं करें, मैंने केवल आपके लिए किया है 50% डिस्काउंट। लेकिन पहले वेल ओके एक्चुअली होता क्या है सर, एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, अगर किसी पेरेंट्स के पास, या मैं आपसे कहता हूँ कि सर मेरे को आप 50,000 दे दीजिए, आपको लगे क्या सर हम मजाक कर रहे हैं, 50,000 क्या, मेरे पास तो 500 रुपीज नहीं है। और अचानक मैं आपसे कहूं कि आपके पास 1 घंटे का टाइम है और ये मेरे पास 5 लाख रुपए का सोना है, ये ले जाओ और मेरे को 50,000 रुपए दे दो आप। अब आपके पास पैसा नहीं भी होगा ना तो 1 घंटे में आप 50,000 मेरे को लाकर दे दोगे, 5 लाख का सोना ले जाओगे, इसका मतलब है पैसा प्रॉब्लम नहीं, आदमी को 10 गुना वैल्यू चाहिए, 50,000 में उसको 5 लाख का माल चाहिए, तो आप अपने कोर्स की वैल्यू जैसी पर दिखाओ कि उनको लगे ये तो बहुत कम चार्ज ले रहे हैं, ठीक है। तो वैल्यू ज्यादा चाहता है आदमी, हाँ फिर भी कुछ लोगों के सामने प्रॉब्लम हो सकती है फाइनेंशियल, उसको अपन डिनाई नहीं कर सकते, तो उनको 50% तक डिस्काउंट दे दीजिए आप, इस प्रकार स्ट्रेटेजी बनाइएगा आप। और दूसरी एक बात सर, जैसे अभी एबेकस किड्स और लेवल वन है, जी तो ये जो टेबल मतलब हमारे यहाँ से 27-28 किलोमीटर दूर के ऊपर एक जन बंदे का क्लास है, मतलब रिमोट एरिया के अंदर, विलेज के अंदर क्लास है उनका। अच्छा और वो कहाँ से फोन एबेकस क्या मतलब पता नहीं मुझे, पर ओके विलेज के अंदर रह के वो बंदे के पास 500-700 स्टूडेंट है सर। ओके है ना, होंगे सर, हाँ और 20,000 रुपये साल का चार्ज करते हैं वो हाँ एबेकस बिल्कुल सीखने के बिल्कुल लिए। है, हाँ बिल्कुल। देखो एक बार आपने ब्रांड बना लिया ना सर,
ठीक है ना। मैं बार बार कहता हूं ठीक है कि आपने अगर आपने लॉयल्टी क्रिएट करनी है ना, तो लोग लॉजिक नहीं लगाते। लॉजिक किस पे लगाएंगे, जिसके ऊपर शक होता है यार ये काफी टाइम से नहीं। अच्छा एक चीज और बताता हूँ मैं आपको, बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ मैं आपको। इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर बिजनेस से ज्यादा बिजनेसमैन की वैल्यू देखी जाती है। तो आप जब भी आप अपना ऐड करें, जब भी आप अपना ऐड करें, मार्केटिंग करें, तो आपका फोटो, आपका चेहरा, आपका नाम जरूर जाना चाहिए, राइट। आपको अपने प्रोडक्ट के साथ अपने आप की मार्केटिंग भी करना है, क्योंकि तो पहले लोग आपको खरीदते प्रोडक्ट बाद में, यू फर्स्ट प्रोडक्ट सेकंड। आपने मेरे वीडियो में भी देखा होगा, जब आप ही फर्स्ट है तो आप अपने आप को क्यों नहीं हाईलाइट नहीं करते, ठीक है। इसका एक फायदा मैं बताता हूं आपको, अबेकस की जब से मैंने मार्केटिंग की ना, तो अबेकस में मेरा चेहरा, मेरा नाम मैंने आगे रखा। अब उसके बाद मैंने ऐसे कोर्स भी लेके आया जिसमें मैं स्पेशलिस्ट नहीं था, बिल्कुल स्पेशलिस्ट नहीं था, लेकिन लोगों ने परचेज क्यों किया, वो उनको मेरे पर विश्वास था कि हिज ब्रांड। तो जो कोर्स में मैं स्पेशलिस्ट नहीं भी था ना, वो भी मैं आज सेल कर रहा हूँ, राइट। क्योंकि मैंने प्रोडक्ट के साथ, फर्म के साथ अपने आप को आगे रखा। इससे क्या होगा कि फ्यूचर में आपके बिजनेस को कॉपी करना तो आसान है, आपको कॉपी करना आसान नहीं है, राइट। कई बार क्या होता है कि आपका सेंटर में 500 बच्चे हो गए, 200 हो गए, आपको स्टाफ रखना पड़ गया। अब आपने क्लासे लेना बंद कर दिया, टीचर आपकी क्लास ले रहे हैं। अब पेरेंट्स के साथ टीचर का अटैचमेंट बढ़ जाता है, तो कभी कभी टीचर आपके सेंटर को छोड़कर अपना सेंटर ओपन कर लेंगे, तो बच्चों का सारा ट्रैफिक वहां चला जाएगा, क्योंकि आपने अपने आप को रिप्रेजेंट ही नहीं किया। तो आपको अपने आप को भी ब्रांड बनाना है। पैसा बाय प्रोडक्ट आता ही आता है, क्योंकि हर पेरेंट्स की नीड है कि उसका बच्चा सुपर जीनियस बने। बस विश्वास ये दिलाना कि मैं ये आपकी नीड को पूरा करने में मैं हेल्प करूंगा, मैं आपके बच्चे के साथ मेहनत करने वाला हूं। बस ये फेथ अगर क्रिएट कर पाएंगे ना, तो आते हैं सर बच्चे। और एक दूसरा डाउट सर, अभी जैसे ये हमारा पहला बैच रहेगा, अभी समर वैकेशन चालू हो गया है, तो मेरे पास एक 7-8 बच्चों का जैसे बोला वैसे एडमिशन भी हो गया है इसके अंदर। तो जी, सर अभी इन बच्चों का जो है ये वीकली क्लास रोकू या डेली क्लास रोकू, ना ना दो ना महीने डेली का क्लास टाइम मत है। रखिए, ना ना डेली क्लास मत रखिए। आप ये कर दीजिए, समर वेकेशन पे आप चाहे तो वीक में 2 या 3 डेज बुला लीजिए आप। ओके हाँ, और मेरा मानना है आपको एक काम और कर सकते हैं आप। अभी आपने अबेकस का चला रहे हैं ना सर, यस ठीक है ना। तो आप एक काम ये कर सकते हैं कि अगर आप थोड़ा सा खर्च कर सकते हैं ना, तो वैदिक, और ये सीखने के लिए टाइम है, तो वैदिक मैथ और सीख लीजिए आप। इससे क्या होगा कि 2 डेज आप सिखाओ अबेकस और वीक में 1 दिन सिखाओ वैदिक मैथ, राइट। तो इससे क्या ओके होगा कि एक एक अच्छा पैकेज आप बच्चों को दे पाएंगे, कि बच्चों को वैदिक मैथ भी सिखा रहे हैं और अबेकस भी सिखा रहे हैं। और ये वैदिक मैथ का बच्चों से पैसा भी मत लो, अबेकस के नाम पर ही सिखाओ आप, राइट। केवल हमें समर वेकेशन ही निकालना है, उसके बाद बच्चे रेगुलर कोर्स में एडमिशन हो जाएंगे। तब आप बच्चों को बोल सकते हो कि हमने तो उस समय वैदिक मैथ अबेकस के साथ फ्री ऑफ कोर्स दिया। अगर आप चाहते हैं तो आप अब एक वैदिक मैथ को अलग से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, तो वहां से भी एक नीड क्रिएट हो जाएगा आपको। और एक दूसरा डाउट सर, अभी डाउट नहीं बोल सकते, ये आपका गाइडेंस चाहिए हमें कि जी अभी जी ये सर, पहली बार जब बंदा एडमिशन लेने को आएगा बच्चा, तो उससे जी फीस जी कितने रुपए लियो, किताब की वो एबेकस टूल की, तो उसके सर हिसाब से देखो अभी 8-10 किट और ये मंगन है तब। राइट राइट सर देखो, हम लोग कैसा करते हैं मैं बताता हूं आपको। हम लोग क्या करते हैं कि 1,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन का चार्ज करते हैं, राइट। ओके 1,000 रुपीज रजिस्ट्रेशन का चार्ज करते हैं और पर लेवल का 2,000 रुपीज लेते हैं। तो जब बच्चा फर्स्ट टाइम आएगा तो 3,000 रुपीज हम लोग लेते हैं, उसके बाद पर लेवल पे 2,000 रुपीज लेते हैं। हाँ, बच्चों को ऐसा बोलते हैं कि सारा स्टडी मेटेरियल टूल वो सब कुछ हम देंगे आपको, उसका ओके okay. प्राइस नहीं बताना, प्राइस नहीं बताना बच्चे को। प्राइस इसलिए नहीं बताना आपको, अगर आपने बोल दिया कि मुझे प्राइस है कि मैं आपको इतने रुपए वाला बुक प्रोवाइड करेंगे, तो क्या होगा अगर मान लो बाय चांस किसी बच्चे को लेवल वन करके छोड़ना पड़ गया, तो वो आपसे वो ओके 1,000 रुपीज को रिफंड मांगेगा कि सर आपने तो मेरे को 2 बुक्स ही दिया है, अब वो पैसा मेरे को वापिस दे दीजिए रजिस्ट्रेशन का। चलो 2,000 रुपीज तो आपका चार्ज था लेवल का, वो 1,000 रजिस्ट्रेशन जो था वो हमारे इतनी सारी बुक्स का था, आपने तो इतना बुक्स दिया है, तो आपको बोलोगे ये रजिस्ट्रेशन चार्ज है वन टाइम, जो आपको पे करना ही करना है, जो नॉन रिफंडेबल है, और ये लेवल का चार्जेज है। लेकिन हाँ, जब तक आप पढ़ोगे तब तक आपको स्टडी मटेरियल बुक्स हम लोग प्रोवाइड करेंगे, पर लेवल पे 2 बुक्स एंड टूल प्रोवाइड करेंगे। और अगर देना चाहे तो आप अपनी तरफ से बैग
और टी शर्ट भी आप दे सकते हैं, अवेलेबल मैं करा दूंगा आपको। ओके सर गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग। मेरा एक डाउट था रिलेटेड टू सर्टिफिकेट। यस सर। मुझे ये जानना है सर्टिफिकेट जैसे लेवल कंप्लीट होने के बाद स्टूडेंट को देना है वो आप लोग से लेना पड़ेगा ना, हार्ड कॉपी लेना पड़ेगा या सॉफ्ट कॉपी भेजेंगे आप लोग? अरे सर सॉफ्ट कॉपी का कोई वैल्यू नहीं होता है, हार्ड कॉपी होगा ना तो बच्चा अपने रूम में लगाएगा उसको फ्रेम करा कर, और एक फील होता है सर। आज हम डिजिटली कितना भी दुनिया में चले जाएं लेकिन जो आप एक फिजिकली मिलन होता है ना सर, फिजिकली ट्रेनिंग्स होती है, फिजिकली जो एक हम अटैचमेंट होता है, कोई सर्टिफिकेट कोई अवार्ड मिलता है ना, उसका फीलिंग ही अलग होता है। तो आप बच्चों को फिजिकल सर्टिफिकेट ही दें, क्योंकि बच्चों को आप ऑनलाइन तो टीच कर नहीं रहे। अगर आउट ऑफ स्टेट के बच्चे होते तो आप एक बार सोच सकते हैं कि उनको डिजिटली हम लोग दे देंगे, लेकिन बच्चे आपके पास रेगुलर क्लासेज में आ रहे हैं ना, तो फिजिकल सर्टिफिकेट ही दे। सर्टिफिकेट मैं आपको रेडी करा दूंगा, एक मिनिमम कोस्ट पर हम लोग आपको अवेलेबल करा देते हैं सर्टिफिकेट आपको मल्टी कलर में, ठीक है? उसके लिए आप बात कर लीजिएगा, वो आपका ब्रांड नोम आप जैसा चाहेंगे वैसा बन जाएगा। अगर आपको लगता है कि आपका कोई ब्रांड नहीं है तो हम लोग अभी ज्ञान का प्रोवाइड कर देंगे। जी सर, जी सर। हेलो। हाँ यस सर। अभी जैसे मेरे पास 40-50 बच्चे ऑलरेडी पढ़ रहे हैं, यस सर, पर उसमें से 8-10 बच्चे वो स्कॉलर है, मतलब पहली का बच्चा है वो 7th स्टैंडर्ड के किताबों का मैथ स्टूडेंट है मेरे पास। ओके। और AIC मतलब 8-10 बच्चे पर दे आर वो एबेकस लगाने में इंटरेस्टेड नहीं है। जैसे मैं आपका मतलब पहले से सुनता है कि 5-7 बच्चे स्कॉलर ऐसी तैयार कीजिए कि जो आपका नाम वीडियो बना सकेंगे उसके ऊपर। तो अभी इनके ऊपर ये इन घोड़ों के ऊपर हमको दाम लगाना चाहिए नहीं चाहिए ये 5-7 बच्चों के ऊपर? सर देखो एक्चुअली क्या होता है कि हमें पता ही नहीं होता है कौन सा बच्चा बेस्ट परफॉर्मर निकल जाए, ठीक है ना? हाँ। तो हमें तो क्या है इस समय बच्चे तैयार नहीं करने, आपको बैच तैयार करना जो पेमेंट देकर आपसे पढ़ने को तैयार हो जाए। समझे बात? वो ऑटोमेटिक डेमो के तो बच्चे अपना भी तैयार हो जाएंगे, उनको क्या अलग से तैयार करना? क्योंकि अगर आप डेमो के लिए फ्री में लेके आएंगे ना, अगर चलो पैसा मत देना आप पढ़ने आ जाओ, वो रिजल्ट भी नहीं देते सर, मेरा ऐसा एक्सपीरियंस है। हाँ हाँ बराबर, मतलब ये हमने हमारे डाउट पूछ रहे सर। कोई इशू नहीं। Yes. सर अभी ये जो आखिरी में लेवल 1 के अंदर बताया कि हाउ टू सॉल्व बुक 1 के अंदर ए और बी, तो इसके अंदर पूरा बताएंगे ना कि वो 7 दिन को होमवर्क कैसे छुड़ाना है वो आखिरी में बताएंगे वीडियो के अंदर? वो पूरा का पूरा आपका जब लेवल 1 का भी ट्रेनिंग होगा और लेसन प्लान के अंदर बहुत डिटेल में दिया हुआ है। वो तो चालू कर दिया हमने। हाँ हाँ वो टीचर अभी का तो रिक्वायरमेंट रहेगा ही आपको, वो दीपक सर से कांटेक्ट करके वो परचेज कर लीजिएगा आप। डेफिनेटली कोई इशू नहीं, वो खरीद लेंगे हम। जी ओके सर, चलेगा। सर मेरा एक क्वेश्चन है कि जैसे हम अबेकस अगर हमें टीच करना है तो सारे लेवल्स कंप्लीट करने के बाद टीचिंग स्टार्ट करनी चाहिए या फिर फर्स्ट लेवल स्टार्ट करने के बाद ही? उसमें क्या है मैम, आपको एट लिस्ट 3-4 लेवल की कंप्लीट करना है, 1-1 क्वेश्चन भी कंप्लीट करना है आपको। एट लिस्ट 3 लेवल तक तो आपको कंप्लीट करना है सारे क्वेश्चंस। उसके बाद क्या करना है आपको कि ज्यादा नहीं तो वीडियोस तो सारे देख लिए और सभी लेवल का एक एक दो दो दो, दो पेजेस सारे कर लिए, राइट? तो आपको नॉलेज तो 3 लेवल का बहुत अच्छे से हो गया और बाकी लेवलों का थोड़ा थोड़ा बेसिक नॉलेज हो गया, किस लेवल में क्या है, कैसे मल्टीप्लाई होता है, डिवीजन होता है, वीडियो देखा थोड़ा सा देख लिया, राइट? वो भी इसलिए कभी कभी क्या होता है ऐसे पेरेंट्स आपके पास आ जाते हैं जिनका बच्चे ने अबेकस कहीं और से किया होता है, उनको अबेकस का पता है, उनको लेवल का पता है, राइट? तो वो कुछ ऐसा क्वेश्चन पूछ ले तो आप रिप्लाई कर पाए। तो मैं कम 3-4 लेवल्स कंप्लीट करने के बाद ही स्टार्ट करूं? बिल्कुल बिल्कुल, बस बच्चों आपका एक लेवल भी कंप्लीट करते हैं ना तो बच्चों के लिए तो 3 मंथ का होता है। मैं उदाहरण देता हूं आपको, अबेकस में एक अच्छी कंपनी है यूसी मास्क, आप लोग जानते होंगे, है ना? काफी सेंटर्स है, वो लोग क्या करते हैं 50-75 हजार उनका एक फ्रेंचाइजी फीस होता है और टीचर को वो केवल 3 डेज का लेवल 1 का ही ट्रेनिंग देते हैं। उनसे कहते हैं लेवल 1 का ट्रेनिंग लो
और जाके सेंटर ओपन करो, लेवल टू का ट्रेनिंग जब मिलेगा जब आप 2 महीने लेवल 1 टीच कर लोगे आप। वो ऐसा इसलिए करते हैं ताकि उनको पैसा और रॉयल्टी रेगुलर मिलता रहे। अगर वो सारा लेवल का ट्रेनिंग देंगे तो उनको रॉयल्टी को टीचर देगा नहीं, तो वो बांधा रहे टीचर, वो बांधने के लिए ऐसा बोलते हैं। लेकिन फिर भी मेरा एडवाइस है कि आप 3 लेवल तो कंप्लीट कर लो और बाकी के लेवल को थोड़ा बेसिक बेसिक नॉलेज ले लो ताकि आपको आइडिया रहे किस लेवल में क्या है। अभी बाई चांस मान लो कोई पेरेंट्स ऐसा आया ना जिसका बच्चा ने पहले कहीं कोर्स किया है या कहीं उसने टीचिंग किया है, कुछ और भी किया है, उसको नॉलेज है, और वो आपसे कहते हैं कि डेसिमल का कैलकुलेशन किस लेवल में आता है आपके यहाँ, अब आपको पता ही नहीं है डेसिमल का किस लेवल में आएगा। तो इसलिए सारे लेवल को थोड़ा बेसिक देख लीजिएगा। तो वो आपकी रिकॉर्डेड वीडियोस में मतलब कंटेंट कंप्लीट हो जाएगा? कंप्लीट कंप्लीट। मैंने एक्चुअली क्या है मैम, अभी कस के जो वीडियो है ना, पूरे कोर्स को मैं 45 वीडियोस में एक्सप्लेन कर सकता था, लेकिन मेरे से इतने लोगों ने जब भी कुछ क्वेश्चन पूछा ना तो मैं उसके ऊपर वीडियो रिकॉर्ड कर देता था। तो यही कारण है कि 107 लेक्चर तैयार हो गए। आपको काफी सारा टॉपिक तो ऐसा मिलेगा जिसको मैंने 3 बार समझाया है, आपको लगेगा क्वेश्चन का पैटर्न बदल दिया, चीजें तो वही बार बार आ रही है। वो बार बार नहीं आ रही है, वो कुछ ऐसे क्वेश्चन है जहां पर टीचर अटके थे, उनको प्रॉब्लम आई थी, तो मैंने उसको अगेन एंड अगेन वीडियो बना दिया। वीडियो छोटा है लेकिन सारी वीडियो देखिएगा। ओके, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। और फिर भी कुछ प्रॉब्लम रहती है ना, तो आपको पता है कि हमने लाइव सेशन तो आपके चालू कर ही रखे हैं। कल नितिन सर लेने वाले हैं लेवल 1 का ट्रेनिंग, अभी लेवल 1 का ट्रेनिंग तो अभी जस्ट पीछे भी हुआ है, पहले भी, अभी दोबारा से कल लेवल 1 का ट्रेनिंग है, तो आपका और उनका बैच को मिलाकर फिर हम लोग लेवल 2 का ट्रेनिंग लेंगे, तो हम लोग लाइव लेने वाले हैं। ओके, तो सर कितने कितने दिन में ये ट्रेनिंग सेशन आपके होते रहेंगे? देखो ये करीब हमारा 10 से 15 दिन के अंदर हम लोग रखते रहेंगे इनको। अच्छा, 10 से 15 दिन में। हाँ, 2 वीक के अंदर हम लोग रिकॉर्डेड रखते हैं कि 2 वीक में तो एक सेशन हो ही जाए हमारा। अच्छा, जैसे अभी कल आप लेवल 1 का सेशन रखने वाले हैं, ठीक है? जी जी जी। तो आप एक सेशन में लेवल 1 कंप्लीट करा देते हैं? बिल्कुल, पूरा कंप्लीट हो जाएगा हमारा कल के सेशन में। आप लोगों को सारे वीडियो देखने हैं, रिकॉर्डेड वीडियो। इससे क्या होगा कि वीडियो देखने के बाद जब सर रिपीट करेंगे तो बहुत तेजी से रिपीट कर पाएंगे और आपको लगेगा। देखो एक्चुअली होता क्या है कि आपका 99% तो कॉन्सेप्ट वीडियो ही क्लियर कर देता है, राइट? और किसी का 90% भी हो सकता है और किसी का 80% भी हो सकता है, पर कम से कम जो इजी चीजें है ना, कि जैसे अभी का इसका इंट्रोडक्शन देना कि ये फ्रेम है, ये बिट्स है, अब वो आप ही बोलने लग जाओगे सर ये तो पता है, इसको तो छोड़ दो, आप आगे बढ़िए आप, ठीक है? तो यही कारण है कि वो 4-5 घंटे में हो जाती है ट्रेनिंग। ओके, और फिर क्या, उस ट्रेनिंग से आपको ये भी जानने को मिलेगा कि नितिन सर आपकी ट्रेनिंग लेते कैसे ऑनलाइन, तो ऐसे ही पर आप लोगों को भी तो लेना है। फ्यूचर में आप बच्चों को पढ़ाएंगे या आप हमारे तरह टीचर्स को ट्रेनिंग देंगे, तो आपको भी तो ऐसे ही फॉलो करना है ना। बिल्कुल बिल्कुल सर। ओके, थैंक यू सर। यस, हेलो सर। हाय सर, मेरा एक रिक्वेस्ट है आपसे। यस सर, ये लेसन प्लान का कोई एक वीडियो बनाएंगे तो अच्छा होगा। लेसन प्लान का वीडियो ना? हां सर, चलो मैं लेसन प्लान का वीडियो बना दूंगा मैं। और वैसे तो क्या होगा कि लेवल 1 का अगर आपने ट्रेनिंग कंप्लीट कर लिया ना, सारे बुक्स को फिल कर लिया ना, और लेसन प्लान जब आप साथ में लेके बैठेंगे ना, तो ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा क्लास 1 में कौन कौन सी क्वेश्चन, कौन कौन से टॉपिक होना है। फिर भी अगर लगता है तो मैं एक वीडियो बना दूंगा, नो इशू। थैंक यू सर। या फिर मैं एक लाइव सेशन ही ले लूंगा आप लोगों का, वो रिकॉर्ड भी हो जाएगा, कोर्स भी बन जाएगा। क्या सर कोई गवर्नमेंट की परमिशन भी लेनी होती है सर? नहीं सर, एक्चुअली क्या होता है सर, गवर्नमेंट की कोई परमिशन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन हाँ अगर आप लीगली बात करें तो रजिस्ट्रेशन जरूरी होता है, ठीक है? तो आप SME के अंदर अपना रजिस्ट्रेशन करा लें या प्रोपराइटरी अपनी फर्म बना लें आप। और वैसे तो क्या होता है कि अगर आप एक सिटी में काम कर रहे हैं तो 40 लाख तक GST की जरूरत नहीं है, लेकिन सर्विस सेक्टर में GST कंपल्सरी होता है, लेकिन आप तो कैश में काम करने वाले हैं, राइट? और इतना सा ही आपका फीस आए तो वो आप फोन पे पे इधर उधर भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपके पास टर्नओवर बढ़ता है, एक साल में 20 या 25 लाख से ज्यादा का अगर आपके पास फीस का रेवेन्यू आता है, तो आपको GST नंबर लेना कंपलसरी है, राइट?
तो वैसे तो क्या होगा, आप एक रजिस्ट्रेशन करा लीजिए एसएमई में, स्मॉल इंटरप्राइज के अंदर उद्योग आधार से हो जाता है। और अगर आपको मालूम भी नहीं है ना वो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, तो आप यूट्यूब में जाकर थोड़ा सा इतना सर्च कर लो उद्योग आधार पर रजिस्ट्रेशन कैसे करें, हजारों वीडियो आ जाएंगे, खुद से रजिस्ट्रेशन कर लोगे, सीए के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, एक रजिस्ट्रेशन करके रख लीजिए अपनी कोचिंग का। बेडिंगनेस एंड एमएसएस दोनों एक साथ ले जाने से बच्चों को कोई दिक्कत तो नहीं आएगा ना? ना ना, कोई कोई दिक्कत नहीं होगा सर, कोई दिक्कत नहीं होगा सर। ठीक है, तो सभी के क्वेश्चन हो चुके हैं सर। सर सिर्फ कल जब सर पढ़ा नहीं पाएंगे तो कल हमको हफ्ते में से 2 दिन का जो सेशन है तो उसके अंदर पूरा ये 1 महीने में 2 महीने में बैच कैसे खत्म करना है एक जरा उसका मतलब हमारे को नॉलेज देने के लिए उनको मतलब बोलिए प्लीज। देखो, आपको फर्स्ट ऑफ ऑल लेवल 1 कंप्लीट करना है, ठीक है ना? आप कल का जो सेशन कंप्लीट होगा ना आपका, उसके बाद आपको नेक्स्ट 3 मंथ तक के बच्चों को टीच करना है। आगे के जो भी हमारे लाइव सेशन होंगे ना वो केवल आपकी स्किल के लिए होंगे। इसके बाद में के हाँ, अभी बच्चों को तो 3 मंथ, जिस दिन आप अपने बैच चालू करेंगे तो 3 मंथ तक तो आपको लेवल 1 ही करना है। लेवल नहीं, वो मतलब वो किताब बहुत छोटी है ना, तो वो किताब के अंदर 4 दिन का या 5 दिन का होमवर्क कैसे देना है, एक पन्ने का या 2 पेजेस का, बिल्कुल तो ये ऑर्गेनाइज कैसे करना है सब नए रहता हम इसके अंदर। बिल्कुल, मैं एक दैट्स व्हाई काम आस्किंग करता टू हूँ यू। सर, मैं समझ गया, एक काम करता हूँ, मैं अभी आपको कुछ चीजें दिखाना चाह रहा हूँ। मैं अभी आपके सभी के प्रॉब्लम डाउट हो जाएंगे लेसन प्लान को। सर मुझे आपका वीडियो शो नहीं हो रहा है, सिर्फ ऑडियो आ रहा है। वीडियो शो नहीं हो रहा, और सभी को हो रहा है क्या? हाँ हो रहा है। यस सर, देख लो। तो आपके मैम कुछ प्रॉब्लम हो सकता है। हाँ, 12 मिनट चालू रखिए, मैं निकालता हूँ आप। सर शो हो गया। ओके, सर वापस चला गया, शायद मेरे यहाँ पे नेटवर्क इशू है। हाँ, वो नेट का इशू हो सकता है ना। जी सर। यस, अब ये लेसन प्लान है जो सब सभी देख पा रहे होंगे। जी सर, हाँ, स्क्रीन से राइट। अब ये लेसन प्लान है और आज आपकी क्लास फर्स्ट है। अब क्लास फर्स्ट में क्या करना है आपको, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको टीचर अबेकस के ऊपर अबेकस का इंट्रोडक्शन देना है कि फ्रेम, यूनिट पॉइंट, लोअर बिट्स, अपर बिट्स, और उन्हें आपको 1 से लेकर 20 तक बिट्स को फॉर्मेट करके दिखाना है बोर्ड के ऊपर भी और अबेकस टीचर के ऊपर भी, और उनको बिट्स को नंबर में, नंबर्स को बिट्स में, आपको दोनों को कन्वर्ट करके दिखाना है। अबेकस को कैसे होल्ड करना है और उन्हें आपको एडिशन भी सिखाना है,
अब एडिशन भी कौन कौन से सिखाने हैं वो आपको प्रॉब्लम नहीं आए क्लास में, तो आपको मेरा कॉपी करना है। पहले बताना है 1+1 कैसे होगा, सेकंड क्वेश्चन समझाना है 2+1 कैसे होगा, 3+1 कैसे होगा, 2+1, 2+2, 1+1, 1+1, और फिर आपको लेस सिखाना है कि माइनस कैसे होगा, 2 में से 1 को लेस करना है, 3 में से 2 को करना है, 4 में से 1, 2 करना है। ये मैंने बनाया है क्लास 1 में, राइट। अब उन्हें क्या करना है, ये सारे टॉपिक कंप्लीट होने के बाद आपको उन्हें बोलना है कि ए वाली बुक में पेज नंबर 3-5 क्लास में ही करना है क्लास वर्क। अब बच्चे ने ए वाली बुक में वर्क किया है 3-5 पेज, अब ए वाली जो बुक है ना वो आप अपने पास रख लेंगे, बच्चों को रिटर्न नहीं करेंगे, बच्चों को बुक देंगे बी वाली और बच्चों को बोलेंगे 3-5 ओनली आपको 3 पेज ही करना है इस वीक, क्योंकि फर्स्ट ईयर फर्स्ट वीक है, ज्यादा वर्कलोड नहीं देना उन्हें, राइट। क्योंकि पहली संडे में क्या बच्चे भी कम आते हैं, फिर सेकंड संडे फिर और बच्चे आएंगे, जब जाके 2 या 3 संडे में बैच पूरा कंप्लीट हो पाता है, इसलिए ज्यादा होमवर्क ज्यादा टीच नहीं करना उनको, राइट। अब क्या होगा नेक्स्ट देखिए आप, अब नेक्स्ट संडे को बच्चा आता है तो क्या करना है आपको, पहले तो पॉइंट 1 से लेकर 7 पॉइंट को रिपीट करना है, ये सारे पॉइंट आपको रिपीट करने हैं जो क्लास 1 में थे। अब उन्हें आगे फिर फिंगरिंग के बारे में बताना है और ये एडिशन करना सिखाना है। अब बच्चे के पास कौन सी बुक है, बच्चे के पास होमवर्क के लिए बी वाली बुक दी थी हमने जो घर पे करेगा, तो बच्चा जब क्लास में आएगा ना नेक्स्ट संडे को तो बी वाली बुक ही लेके आएगा, तो बी वाली बुक में आप 3 पेज कराएंगे 6, 7, 8 और ये वाली बुक को आप अपने पास रख लेंगे और ए वाली बुक देंगे और उसमें पेज नंबर है 6, 7, 8। ऐसे आपको किताब को अल्टरनेट पे चेंज करना है ताकि हर संडे आपके पास एक बुक हो, ताकि मंडे से सैटरडे तक जब आपको टाइम मिले आप उन्हें चेक कर सकते हैं, क्योंकि संडे को टाइम तो मिलेगा नहीं, आप चालू क्लास में कैसे चेक करेंगे, तो उसको चेंज करते रहो, ठीक है। ये मैंने अब पूरा एक शेड्यूल बनाया है क्लास 3 में क्या करना है, क्या सिखाना है, कौन कौन से क्वेश्चंस कराने हैं आपको, ताकि आप गलती ना हो। अगर आपको बोर्ड पे क्वेश्चन कराना है तो 3+1 कराओ, 4+1 कराओ और फिर होमवर्क ये देना है। ये है हमारा लेसन प्लान, राइट। अब आपको क्लियर हो गया होगा सभी को, आप इनको देखिएगा। क्लियर, तो ये लेसन प्लान है, जिसको आप फॉलो करेंगे तो इजी वे में समझ में आ जाएगा। सर इसका जेरॉक्स कॉपी मिलेगा ना हमें? नहीं नहीं, आपको सॉफ्ट कॉपी में है ना, इसमें पीडीएफ में इंस्टॉल है, मैं दिखा देता हूँ एक बार और अगेन, मैं दिखा देता सर। आपने जो कोर्स दिया है उसमें ऑडियो आता है, वीडियो नहीं आता है? ना ना मैम, वीडियो भी है, सब कुछ है, वीडियो भी है। वो कभी कभी क्या होता है कि आपका नेट का स्लो हो या कभी कुछ और इशू आ रहा हो, उसकी वजह से ऐसा हो जाता है, बाकी का ऐसा नहीं है, क्योंकि सभी लोगों को वही सेम ही प्रोग्राम मिला हुआ है। देखिए ये वाला है अभिकस मास्टरी का जो प्रोग्राम है ना लेवल 1 का, उसमें आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पर देखने को मिलेगा आपको, ये रहा गूगल ड्राइव का लिंक, इसे आप डाउनलोड करके प्रिंट आउट निकाल के अपने एक फाइल बना लीजिए। और अगर बच्चों को ऑनलाइन टीचिंग करना है ना तो ये डिजिटल टूल है ये वाला, ठीक है ना, ये डिजिटल टूल है, तो आप चाहे अगर ऑनलाइन पढ़ाना है तो भी आप इसका यूज कर सकते हैं। अच्छा ये ब्रोकन हो गया, ये चलो मैं अगेन इसको दूसरा लिंक इसके साथ ऐड कर दूंगा मैं। सर ये जो है ना सर ऊपर का आता है लेसन प्लान वाला, ये डिजिटल, थोड़ा सा नीचे लीजिए स्क्रॉलिंग करके, ये वाला ये लेसन प्लान आता है क्या, वही आता है ये वाला लेसन प्लान है ये वाला, हाँ यही आता है, वो नीचे वाला जो बोल रहे ना वो आता नहीं है। ना ना ना, उसको वो लिंक हट गया है, वो मैं दूसरा लिंक ऐड करूंगा, उसको जरूरत नहीं है अभी इसकी, मैं दूसरा लिंक ऐड कर दूंगा इसमें। हाँ हाँ ठीक है, वो हमारे को सिर्फ डे वाइज पूरा चाहिए सर। हाँ डे वाइज ये रहा ना, डे वाइज ये ओपन करोगे ना आप इसको तो ये डे वाइज ये पूरा कंप्लीट, ये देखिए आप। मैंने वो आपने इतना मोटिवेट कर दिया सर, 2,500 बच्चों को अबकस सीखे बगैर छानने बैठेंगे अभी। ये देखिए सर डे वाइज, वो तो सर देखो आपका हार्डवर्क काम करेगा, मेरा काम तो गाइड करना है, जो मैंने गलती करके सीखा है ना वो मैं आपको बता सकता हूँ कि ये गलती मत कीजिएगा, बस इतना ही है, बाकी का
बच्चों के साथ काम करना, हमको पैसन रखना पड़ेगा एक साल, और एक साल बाद आपने रिजल्ट अच्छा डेवलप किया ना तो हो जाएगा। ये देखिए, ये क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, ये लेवल वन ही चल रहा है पूरा, लेवल वन पूरा, लेवल वन में 12 क्लासेज है। अब लेवल वन कंप्लीट कर लोगे तब मैं बताऊंगा लेवल टू का लेसन प्लान कैसा होगा। ये लेवल टू का है। अब लेवल टू का पूरा लेसन प्लान हमारा एक पेज में कंप्लीट हो गया। अब वो कैसे हुआ है वो आगे हम लोग डिस्कस करेंगे, है ना। सभी लेवल्स का सर, इसकी कॉपी कॉपी और सॉफ्ट कॉपी एक बार मतलब वो ओपन होना चाहिए। हाँ, नहीं तो कोई व्हाट्सएप ग्रुप के और डालने के लिए बोल। नहीं ओपन हो जाएगा, इसका लिंक मैं और ग्रुप में डाल देता हूँ, है ना सर। वो ग्रुप निकल गया सर, वो नहीं ग्रुप में नहीं निकले होंगे, आप ज्वाइन कर लीजिएगा, दीपक सर को बोल दीजिएगा। डेफिनेटली है ना, दीपक सर को बोल दीजिएगा तो वो लिंक आपको शेयर कर देंगे ग्रुप में। मैं अगेन भी इसको ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। चलेगा सर, थैंक यू। हाँ यस सर, लास्ट क्वेश्चन है ये जो एग्जाम का जो पैटर्न है, आप लोग ने आपने जो शेयर किया था एग्जाम पेपर लेवल का, जी जी, उसके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा होगा। वो थोड़ा इतना अच्छे से समझ में नहीं आया था। चलो उसके लिए एक काम करेंगे, आप दीपक सर को कॉल कर लीजिएगा, वो आपको समझा देंगे, क्योंकि मेरे पास इस लैपटॉप में अभी नहीं है वो पेपर, है ना। तो आप कॉल कर लीजिए, बता देंगे, वो तो इजी है, कुछ भी नहीं है उस पेपर में, फिर भी आपको एक गाइड कर देंगे, है ना। हाँ बिल्कुल सिंपल बात है। और भी किसी के कुछ क्वेश्चन हो तो बताइए। अच्छा, आपको आज का सेशन कैसा लगा आपको? आप अपना कैमरा ऑन करके आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा कैमरा ऑन कर सकते हैं सभी। सर बहुत अच्छा लगा सर, बहुत वैल्यूबल पॉइंट्स आपने दिया हम आपको, मार्क दिया जी सर। सुपर सर, इट्स वाज वेरी यूजफुल सर। ओके थैंक यू मैम। ओके तो फिर इतना अच्छा मार्केटिंग, इतना अच्छा मार्केटिंग आइडियाज हमको मिला कि दैट वी फील दैट वी आर डीलिंग विद ए हाईली इंटेलेक्चुअल मार्केटिंग लीडर। खाली एक्सपीरियंस है जो सर, जो मैंने किया है ना वो मैं आपके साथ एक्सपीरियंस करता हूँ। अब इतनी सारी टेक्निक शेयर की है मैंने आपको, तो कोई भी चार टेक्निक भी अगर सक्सेसफुली हो गया ना तो बस हो जाएगा काम अपना। सर बट दिस वाज वेरी अमेजिंग सेशन सर, वी नेवर सॉ दिस टाइप ऑफ मोटिवेशन व्हाट यू हैव गिव टुडे। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हां सर, और इतना भी फॉलो अप कर रहे सर आप, अभी हमको ही शर्म आना चाहिए कि अब हम लोग 500 स्टूडेंट्स को नहीं ला पाएंगे तो। अरे बिल्कुल बिल्कुल, अभी सर देखो एक चीज बताता हूँ, वी हैव टू फील अशेम्ड एक्चुअली, वी डू नॉट गेट मैक्सिमम लीड्स दैट व्हाट यू हैव टॉट टू अस। बिल्कुल बिल्कुल सर, डेफिनेट डेफिनेट सर। और हम लोग फेसबुक कैंपेन का भी एक सेशन ऑन चालू करेंगे, तो उसका भी मैं अलग से क्लास लूंगा, क्योंकि मेरा 1.5-2 घंटे का टॉपिक है वो, तो अभी मैंने उसको इंक्लूड नहीं किया, उसको कैसा सेटअप करना है क्या है, तो वो भी आप देखिएगा तो एक आसानी हो जाएगी। एक्चुअली क्या है, काफी सारे जो कॉम्पिटिटर होते हैं ना मेरे, वो यही कहते हैं कि ललित करता क्या है, कितना कम चार्ज में क्या सर्विस दे रहा है, लोग वीडियो नहीं लेते थे। ओके सर, तो फिर कल मिलते हैं और नितिन सर आपके साथ ज्वाइन होंगे तो। थैंक यू वेरी मच सर। ओके थैंक यू सर, थैंक यू सर, सर थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सो मच सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर।